फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों एक आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेके आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में ये जो कंप्लीट मोल्ड देख पा रहे हो बेसिकली ये जो है फ्लिप टॉप कैप मोल्ड है। तो ये फ्लिप टॉप कैप मोल्ड है, इसकी जो है हम डाउट सेशन लेने वाले हैं। तो प्रैक्टिकली डाउट सेशन लूंगा, जो भी चीजें बनाऊंगा कैसे कैसे होगा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखना। तो आज जो है मैं अपना खुद की जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर जो है बहुत कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे किया है, स्टार्टिंग कैसे किया, कहाँ पे क्या काम किया। तो उसके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। मैंने क्या क्या अचीवमेंट किया, मैंने सोलर कार बनाया, मैंने हाइड्रोजन बाइक बनाया, कैसे बनाया, फोटो के साथ दिखाऊंगा सारा चीजें। देखना वीडियो में, बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत कुछ चीजें आपको पूछने को मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ चीजें आप पूछ भी सकते हो, कुछ बहुत कुछ सारा इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अभी जो ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, कोई जो है मेरा वीडियो वगैरह यूज करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो है पैसा कमा रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। कैसा कैसे चीजें हो रहा है और कैसे मेरे से डिमांड हो रहा है पैसों की, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो लास्ट तक देखना कि ये सब चीजें क्या हो रही है और कैसे हो रहा है, सारा चीजें मैं जो है बताने वाला हूँ। क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम पूरा वीडियो देखना, जरूर देखना। अगर वीडियो ये नहीं देखोगे, बहुत कुछ चीजें मेरे बारे में या ऑनलाइन के बारे में आपको नहीं पता चलेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर किसी भी कुछ चीज की क्वारीज हो, किसी चीज की भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से एक बार जरूर बात कर सकते हो। आई एम फ्री फॉर ऑल, ओके। तो आप जरूर देखना। तो अभी ये जो वीडियो है बेसिकली जो मेरा ये ऑनलाइन में डाउट ले रहा हूँ, डाउट लाइव लेसन ले रहा हूँ, तो उसके ऊपर जो है सारा, इसमें क्या क्या चीजें आएंगे, कैसे हो रहा है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, स्प्रिंग कैसा होना चाहिए, कितना लिमिट होता है, तो सारा चीजें जो है मैं इसमें बताने वाला हूँ। एक एक चीजें, हर एक छोटी छोटी चीजें मिलेंगे। तो बेसिकली जो मेरा डाउट सेशन है, दिसंबर और जनवरी है, एक महीने में मेरा दो मोल्ड डिजाइन की बैच होती है। जैसे मेरा जो मोल्ड डिजाइन का बैच होता है तो 2 से 2.5 महीने का होता है, तो मैं थोड़ा डिटेल में कराता हूँ, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। उसी हिसाब से है, 2 महीने के हिसाब से जो पुराना वाला बैच है उसके साथ जो नया बैच है, मैंने दोनों को कॉम्बो करके एक जो है बैच तैयार करा हूँ। तो उस बैच के हिसाब से यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। और लास्ट तक देखना, किसी को भी कुछ चीजें का कुछ पूछना है, कहीं पे भी कुछ चीज देखते हो सुनते हो ना, जरूर मेरे से बात कर लेना, ठीक है। कहीं पे भी कुछ चीजें होता है तो जरूर बात कर लेकर, मुझे अच्छा लगता है कोई चीज अगर पूछते हैं। क्योंकि किसी को भी अगर करियर की गाइड चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आराम से बात कर सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है ना कुछ किसके लिए मैं फीस लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, होता है यार, सब कुछ चीजें नहीं होता है, बहुत कुछ चीजें साथ में लेके चलना चलता है, तो वो उस केस में मैं थोड़ा सा हल्का सा बिजी हो जाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ चीजें पूछना होगा मैं फ्री होके कॉल करता ही हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सबसे अच्छे से इंटरेक्ट हो। तो दोस्तों बहुत टाइम हो गया, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। 2017 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था, अब 2023 हो गया, तो मैंने अपने बारे में बताना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। ये मेरा सोलर कार है जो मैंने डेवलप किया था। तो आप ये देख पाओगे, राजस्थान का सीएम है उस टाइम की, ये ऑनरेबल सीएम थी। तो उस केस में मैंने जो नहीं है सोलर कार बनाया था, तो मैंने सोलर कार जब बनाया तो राजस्थान की सीएम जो मुझे मिलने के लिए आई थी, जो एग्जीबिशन वगैरह हुई थी, तो मैंने वहां पे रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे जितना देख पा रहे हो जो सोलर कार, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो इसकी गार्ड्स वगैरह है, सारा तरह घूम रहे हैं, तो मैंने खुद ड्राइव करके सारा चीजें समझाया, कैसे कैसे मैंने बनाया, कितना कॉस्टिंग लग गया, क्या क्या इसमें नया है, क्या और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना कॉस्टिंग में बनेंगी। अब जो अभी मार्केट में ई रिक्शा चल रहा है उसके ऊपर टोटली ये मेरा कॉन्सेप्ट था। तो उस टाइम में जब मैंने चीजें बनाया था, जो मेरा इंजीनियरिंग थे उस टाइम, जो मैंने डिजाइन किए थे, जो मेरा डेवलपमेंट है, वहाँ के सीएम, राजस्थान के सीएम खुद आई, खुद बैठी और मैंने पूरा टेस्ट ड्राइव लगा के सारा चीजें मैंने समझाया था। तो उस टाइम का ये फोटो है। तो दोस्तों उसके बाद जो है मैंने हाइड्रोजन बाइक बनाया था। जो मैंने बाइक बनाया तो वो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसकी मिक्सर से चलता था। तो ये आप देख पाओगे, ये जो मैंने आवाज जो है यहाँ पे मैं रिसीव कर रहा हूँ, ये जो बेसिकली ये जो श्रीमान है, ये नवीन गुलाटी जी है, ये डायरेक्टर है पेट्रोलियम कंजर्वेशन का, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। आप यहाँ पे देखोगे आपको पता लग जाएगा, ये जो बेसिकली डिजाइन है जिसको मैंने उस टाइम डेवलप किया था सॉलिडॉक्स के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद जो आप देख पाओगे, ये मेरा जो डेवलपमेंट है, जो बनने के बाद एक्चुअली बन के आया था। और यहाँ पे आप देख पाओगे नवीन गुलाटी जी है, डायरेक्टर एंड चीफ रीजनल कोऑर्डिनेटर है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो ऐसा तो नहीं है मैं कुछ भी फोटो डाल लूंगा, जो भी फोटो डालूंगा प्रैक्टिकल चीजें जो हमने डेवलप करा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, जो अपने बारे में कुछ चीजें मैं शो करूँ या मैं अपने बारे में ज्यादा बड़ाई करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता बेसिकली। तो जो चीजें है आप लोग को भी कुछ कुछ चीजें पता होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, किससे सीख रहे हो, कौन है बेसिकली, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसीलिए जो है आज मैं कुछ कुछ चीजें और बताने वाला हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ कुछ ऐसा चीजें है जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, जो मैं चीजें बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। अगर 2D 3D दोगे तो 15,000 रुपये आराम से निकल सकते हो। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मैं चीजें बताऊंगा स्टैंडर्ड बताऊंगा, ठीक है। तो पहला जो है, जिसको भी इसकी साइज निकालना है ना, कैसे साइज निकालना है, तो उसकी मशीन की टनेज कैसे निकालना है, एक अलग से वीडियो में डाल रखा हूँ यूट्यूब में, वहां पे जाके देख लो। क्योंकि मेरा ये वीडियो लगभग 2 घंटे का बनने वाला है, तो मैं इसको और लंबा नहीं करूंगा, उसमें सारा तुम्हारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और अलग से अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मेरे से इंडिविजुअल एक बार बात कर लेना, ठीक है। जो मशीन की तनेज निकालते हो उसमें 2 तरीका मैं बता रखा हूँ, 2 तरीके से आप निकाल सकते हो, दोनों तरीके से देख लेना। और एक तरीका आता है, उसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे रखा हूँ,
देख लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अब देखो सबसे पहले मेरे को ये मैकेनिज्म तो सही नहीं, ये मेरे को मैकेनिज्म नहीं सही है। कोई आया क्या नया लिंक? नहीं ना, तो अभी ये मैकेनिज्म सही नहीं, तो इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ये मैकेनिज्म नहीं सही है तो यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा। ये स्टैंडर्ड मिलता है डबल रिजेक्शन के लिए, मार्केट में थोड़ा कॉस्टली आता है ये, तो ये तरीका नहीं सही है। ठीक है, ये जितना भी है इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे। ध्यान से सुनना और समझ में नहीं आए तो जरूर क्वेश्चन पूछ लेना। एक साथ ज्यादा रिलेट मत कर देना, कोई आए हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरा जो प्लेट है इसको मैं हटा देता हूँ। ये मेरा कौन सी गेट चल रहा है? सबमरीन गेट चल रहा है। या डबल डिजेक्शन मेथड कैसे होगा मैं पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ, फिर समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये हो गया डिलीट मेरा। इसको अगर लगाना है तो ये मार्केट में अवेलेबल है, कहाँ से मिलेगा इसके लिए लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, तो लाइब्रेरी चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, मैं इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दे दूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा यहाँ पे कटआउट हो रखा है ना, इसको मैं ले आऊंगा, बस इतना एरिया, 1 2 3 4। अब ये चार प्लेट को मैं पहले जो है ले आऊंगा, तो ये मेरे को चार प्लेट चाहिए। ठीक है, अब इतना प्लेट का मुझे जरूरत है नहीं है, मेरे को ये दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं ले आऊंगा रिप्लेस करके इसके इक्वल में। क्लियर, इसको मैं ले आऊंगा इसको इक्वल करके इसके इक्वल में ले आऊंगा। ठीक है, चैम्फर खत्म हो गया आपका, चैम्फर को हम ले आएंगे थोड़ी देर बाद। रिप्लेस ये वाला फेस इसके लिए हाथ रिप्लेस करना है इसके साथ। मैं माउस का ज्यादा यूज कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लेना, मैं ये माउस से कर रहा हूँ। ठीक है, माउस से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये बोल्टिंग वगैरह भी हटाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहां से लेने के बाद इसको हम यहां तक ले आएंगे, यहां से के बाद इसको इसकी फेस के इक्वल कर लो। जितना भी ये फेस है कोशिश करना ये डिलेट सरफेस वगैरह सिंक्रोनस मॉडलिंग का यूज ज्यादा करो, इसमें आपको फायदा ही होंगे। ठीक है, टाइम सेविंग होता है, तो सिंक्रोनस मॉडलिंग का ज्यादा यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसको भी साथ में लेना पड़ेगा, तो ये खत्म। अब मैंने जो इसकी साइज लिया है वो मैंने कैसे ले लिया, ठीक है, कौन मैसेज कर रहा है, बाद में करूंगा, अभी थोड़ा सा ये मैंने देख लो। ठीक है, सब लोग लाइव है। ठीक है, तो यहाँ पे चैम्फर जो है वो भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ यहाँ पे एक और होगा, दो है। ठीक है, चैम्फर जा नहीं है रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताओ डबल रिजेक्शन जो मेथड होता है इसमें आप समझते क्या हो? इसको भी हटाऊंगा, हाँ अभी के लिए पहले आपको इसको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। ये कूलिंग है मेरा, ड्राम कूलिंग है। ड्राम कूलिंग क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा मैं। स्प्रिंग भी लगाना पड़ेगा आपको इसमें, तो मैं बहुत कुछ चीजें सेंस करूंगा। अब मुझे आप लोग क्वेश्चंस की मेरा आंसर देना, मैं समझ में आ जाएगा कौन किस कितना लोग किसको कितना कौन से पता है। अब डबल रिजेक्शन मेथड मतलब आप क्या समझते हो, कौन कौन बताएगा? ये रावण, रावण कौन है भाई, कौन कौन आ रही है, रावण कौन है? हाँ जी, रावण कौन है ये? सर मैं आनंद हूँ, मेरा बैटरी लो हो गया सर, इसलिए। नया नया लोग आ रहे हैं अलग अलग नाम से। ये अक्षर है, ये कौन है बता दो भाई, मैं हटा दूंगा इधर से। सर मैं आनंद कुमार बोल रहा हूँ सर, मेरा बैटरी स्विच ऑफ होने वाला है। प्रद्युम्न, ठीक है ठीक है, समझ ठीक है, ओके ओके ओके। जो सर ये अक्षर आया वो प्रद्युम्न है सर, प्रद्युम्न प्रद्युम्न। ठीक है ठीक है। अब देखो डबल डिजेक्शन मेथड में होता क्या है, किसी को समझ में आता है क्या होता है कि एक्चुअली
पता है कैसे काम होता है ये? नहीं पता है कि नहीं पता, या मैं बताओ? नहीं पता ना। देखो डबल डिविजन मेथड जो होता है इसमें आप देखो, ये आपका क्या है, साफ्ट है, ये आपका साफ्ट है, ठीक है। यहाँ से जी काट हो रखा है कि नहीं पता सर। हाँ मैं समझा दे रहा हूँ, इसमें एक स्लीव होता है, ये आपका बाहर का जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, ये स्लीव है, और जो ये ऑरेंज कलर का है ना, ये साफ्ट है। तो डबल इजेक्शन मेथड में हम लोग का बेसिकली होता क्या है, ये ड्राम कूलिंग है, अभी ड्राम कूलिंग समझाऊंगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये साफ्ट है मेरा, ये साफ्ट है, नीचे से जो है मेरा साफ्ट है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका कौन सा है, ये स्लीव है, ठीक है। अब साफ्ट और आपका स्लीव है, अब स्लीव चलेगा किसमें, स्लीव क्या करेगा, पार्ट को रिजेक्ट करेगा। अब डायरेक्ट में अगर स्टिपर, आप बोलोगे सर इसको तो मैं, हम स्टिपर रिजेक्शन से भी पार्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। स्टिपर रिजेक्शन समझ में आता है? स्टिपर रिजेक्शन में क्या होता है, इसमें अलग से कोई स्लीव, प्लेट पुश करती है। हाँ इसमें हम जो है प्लेट पुश करेंगे। कौन कोई मैसेज करा है, एक सेकंड आ रहे, ठीक। तो क्या करेंगे हम, सीधा प्लेट से या रिंग से या बार से, तीन तरीके से स्टिपर रिजेक्शन होता है, प्लेट इजेक्शन, बार इजेक्शन, रिंग इजेक्शन, ठीक है। मैक्सिमम प्लेट इजेक्शन करते हैं, क्योंकि बार इजेक्शन में क्या होता है, स्टिपर बार लगाते हैं, स्टिपर रिंग में स्टिपर रिंग लगाते हैं। इसमें क्या होता है, स्टिपर रिंग मेंटेनेंस भी होता है, कभी कुछ प्लेट अगर कहीं पे डैमेज होता है तो हम रिंग को चेंज कर देते हैं, पूरा प्लेट को चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जहाँ पे प्लेट लगा हुआ है वहाँ पे मशीनिंग करना पड़ता है, अलग से इंसर्ट डालना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ये लंबा पड़ जाता है। तो बहुत लोग कॉस्ट कटिंग के चक्कर में और टाइम के सेविंग में स्टिपर प्लेट यूज करते हैं, लेकिन जो अच्छा मार्केट के लिए रिकमेंडेड है वो कौन सा है, स्टिपर रिंग ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि स्टिपर रिंग भी लगाते हैं ना, तो दोनों के डिफरेंस जो होता है ना, बीच जो डिफरेंस होता है ना, तो फिर ये जो गैप होता है, मतलब जो पिच डिस्टेंस होता है, पिच डिस्टेंस मतलब इस पार्ट के सेंटर से इस पार्ट के सेंटर का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिंग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी हिसाब से इसकी जो है क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग जो है मैक्सिमम जो है क्या करते हैं, प्लेट चलाते हैं, लेकिन रिंग ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब इस वाली मूल की कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखो ये मेरा इसमें थ्रेड है, इसमें मेरा क्या है, थ्रेड है, और ये मेरा थ्रेड किसमें जा रहा है, किसमें जा रहा है ये थ्रेड, हाँ जी हेलो, थ्रेड किसमें जा रहा है, हाँ हेलो, अरे मैं क्वेश्चन करूंगा तभी तो मुझे समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेरा जो पार्ट है ना, वो पार्ट किस में हो रखा है मेरा, किसमें, कोर में सर, कोर में, कोर में ना, तो मैं कोर से एक पार्ट को कैसे इजेक्ट कर दूंगा, कोर में, मैं कोर से पार्ट को इजेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना, यस सर। कोर के अंदर मेरा देखो ना, पूरा पार्ट अंदर हो रखा है, पूरा पार्ट कोर में अंदर है, तो मैं उसको कैसे इजेक्ट करूंगा, मेरा तो पूरा पार्ट ही मेरा डैमेज हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि इसके अंदर मेटेरियल है, आप उसके अंदर में ना स्टिपर चला सकता हूँ ना मैं स्लीव चला सकता हूँ, ये मेरे को डैमेज कर देगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, तो पहले जितना भी ये इंसर्ट है ना, मतलब ये जो इंसर्ट है ना, इस इंसर्ट को लेके मुझे बाहर करना पड़ेगा, इस इंसर्ट को मुझे बाहर करना पड़ेगा, समझ आए मेरी बात को, मतलब इस इंसर्ट को इस प्लेट से बाहर ले आऊंगा ना, तो मेरा इस प्लेट से अगर बाहर ले आऊंगा तो मेरा थ्रेड डैमेज होने का चांस 70% कम हो जाएगा। क्यों, इसमें तो प्रेशर लगेगा ना पूरा, इसमें प्लेट है, थ्रेड को थ्रेड जाम करके निकलेगा, तो ये प्लेट क्या करेगा, प्रेशर बनेगा बाहर में, तो आपके थ्रेड हो जाएगा डैमेज, होगा ना, हेलो, होगा ना, जी सर, जी जी, इसको भी क्वेश्चन से पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्वेश्चन से पूछ लो, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चीजें समझ लो इसको, हेलो सर, मैंने थोड़ा स्टार्टिंग का पार्ट मिस कर दिया सर, जब बाहर कर देंगे तो भी सर डैमेज तो सर उसमें ओपन कैसे होगा सर, मतलब वुड रिंग तो तब अभी इतना तक समझ में आया ना, यस सर इतना तो आ गया, किसी को कोई दिक्कत बताओ सर, थोड़ा स्टार्टिंग मिस कर दिया था मैंने, किसी को कोई दिक्कत समझने में, सर ये थोड़ा सा, नहीं सर ये जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये वाला समझ नहीं आ रहा, थोड़ा मैं भी लेट आया था सर, पहले से समझ रहा हूँ, दोबारा से समझ लो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है। डबल इजेक्शन मेथड में क्या होता है,
एक दो इजेक्शन होता है, जैसे आप मॉल में देखते हो कि दो प्लेट में होता है, एक क्या होता है इजेक्टर प्लेट, एक इजेक्टर बैक प्लेट होता है ना, कोई बोलते हैं एक इजेक्टर प्लेट, एक इजेक्टर रिटर्नर प्लेट बोलते हैं, अलग अलग कोई कोई बोलते हैं ना। इस केस में मेरा जो इजेक्टर प्लेट है और इजेक्टर रिटर्नर है, इसमें दो असेंबली सर, है, एक मेरा ये इजेक्टर प्लेट असेंबली है, एक मेरा इजेक्टर प्लेट ये असेंबली है, मतलब इसमें हो गया डबल इजेक्शन, जी सर, मतलब एक जी सर, डबल डबल है, एक इजेक्शन ये करेगा या डबल इजेक्शन। डबल अब डबल इजेक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, डबल इजेक्शन हम उस जगह में यूज करते हैं जहाँ पे जी सर पार्ट पार्ट का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस नहीं बोल सकता, आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड सरफेस है वो सरफेस सिलिंड्रिकल हो, कॉनिकल हो, सिलिंड्रिकल हो सकता है, कॉनिकल हो सकता है, ठीक है, और जी, वो सरफेस कोर में हो, मतलब कोर प्लेट के अंदर हो, तो उस केस में आपको डबल इजेक्शन मेथड चलाना पड़ेगा। अब डबल इजेक्शन मेथड होता क्या, एक्चुअल में काम कैसे होता है, जैसे ये मैंने स्केच बना रखा हूँ ना, ये वाला स्केच, इसको मैं अगर सेक्शन काट देता हूँ तो आपको ये समझ में आता है, ये मेरा शाफ्ट है और ये मेरा स्लीव है, ठीक है, शाफ्ट और स्लीव, स्लीव का थिकनेस कितना होगा, जो पार्ट का थिकनेस होगा, ठीक है, ठीक है जी जी सर, तो जितना मेरा होगा उसके हिसाब से मेरा ये थिकनेस होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया है। इसमें एक जो शाफ्ट रहेगा ना वो इजेक्टर असेंबली से आगे आएगा और उसके साथ ये भी प्लेट आगे आएगा, जो सेकंड सर, जैसे सर एक मिनट सर, जैसे चकोर पीस है हमारा, चकोर है ऊपर से, चकोर है और ऊपर थ्रेड पड़ी हुई है, तो थ्रेड वाला एरिया ना सर वो नीचे तक लेना पड़ेगा ना, जो चकोर है वो तो वैसे ही रहेगा ना, फिक्स रहेगा नीचे, क्या नाम है प्लेट में, चकोर में लेते हो, मतलब जैसे अगर हमारा स्क्वायर है ऊपर चूड़ी कट रही है उसमें, समझ रहे हो, मतलब ऊपर ऊपर साइड तो चूड़ी कटी है और नीचे जाके वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला फिक्स रहेगा, चूड़ी जो है हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी नीचे को, तो जिसमें हमारी वो थ्रेड है, जो थ्रेड है हमारी, जैसे 20 की थ्रेड है, 22 बाई 22 का चकोर है, रेक्टेंगुलर में चूड़ी कहाँ बनता है, रेक्टेंगुलर में चूड़ी बनता है ना जी सर, जैसे समझे नहीं आप मेरी बात, ऊपर 10 एम तक चूड़ी है, ऊपर 10 एम तक 22 की चूड़ी है और नीचे जो स्क्वायर है वो 25 बाई 25 का स्क्वायर है नीचे, तो 22 बाई 22 का हमें नीचे तक, नीचे तक लेना पड़ेगा ना इंसर्ट बना के नीचे तक, वो नीचे वाली प्लेट में कितना एमएम, कोर में फंसो जमे, एक एक बात करो, कितना एमएम अंदर रहेगा ना, उतना एमएम अंदर रहेगा आपका स्लीव, स्लीव पार्ट से कनेक्ट रहेगा, ये पार्ट है यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से मैं स्लीव कनेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट तक देखो समझ में आएगा। देखो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, एक पानी का बोतल आता है ढक्कन, जो रेक्टेंगुलर शीश का आता है उसके अंदर रखी जाती है, जी बिल्कुल सही, बिल्कुल उसके बारे में बोल रहे हो ना, उसके एक में अलग से देखो एक डेमो वीडियो बना रखा यूट्यूब में उस मोल के, वो भी डबलाइजेशन मोल में, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा, इस वाला कॉन्सेप्ट से नहीं चलेगा वो, उसका जो मेन कॉन्सेप्ट होगा ना इंसर्ट बना के बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई इंसर्ट नहीं है तो उसमें इंसर्ट से तुम्हें बनाना पड़ेगा, समझ आए मेरी बात को, तो नीचे एक जो है इंसर्ट लगाना पड़ा है और एक बैक प्लेट लगाना पड़ेगा, देखो उसमें मैंने एक ब्लैक प्लेट भी बनाना रखा, एक पानी जो पानी पीते हो ना रेक्टेंगुलर टाइप का ठक्कन होता है उसकी बात करो तुम, ऐसे मोल्ड होता है मार्केट में, उसको भी बनाया मैंने डबल इजेक्शन से, देखो एक ड्रीमलैंड करके कंपनी है हवाना में, उसके लिए बनाया था मैंने, अब देखो ये जो कंपनी है जिसके लिए ये बना रहा हूँ मैं, इसमें मेरे को पहला जो होगा, पहला इजेक्शन कौन होगा, यहाँ से मेरा क्या आएगा, कौन सा रोड आएगा, नॉकआउट रोड आएगा, नॉकआउट रोड पहले हिट करेगा तो पहला इजेक्शन कौन करेगा, कौन सा प्लेट करेगा, ये वाला प्लेट करेगा ना इजेक्शन, ये सर नीचे वाला, शाफ्ट शाफ्ट वाला करेगा ना सर, हाँ शाफ्ट वाला करेगा, तो शाफ्ट का कितना करेगा, ये जिसका इतना लेंथ होगा उतना करेगा, राइट, हाँ जी, बीच में जितना गैप है, जी जी, जितना गैप है सर, अब ये गैप कितना होना चाहिए, ये गैप उतना होना चाहिए, जो मेरा ये जो थ्रेड है ना, ये जो थ्रेड है ना, ये थ्रेड भी निकल आए और ये पूरा पार्ट बाहर निकल आए, मतलब पार्ट को मैं यहाँ से कोर से, मेरा जो कोर है इससे मैं इसको बाहर ले आऊंगा, अब मेरे को पहले इतना पता होना चाहिए मेरा पार्ट का हाइट कितना है, तो पहला साफ का इजेक्शन होगा, जो पहला साफ का इजेक्शन होगा उसमें थ्रेड और पार्ट बाहर निकल आना चाहिए, थ्रेड और कोर में से बाहर आ जाना चाहिए, समझ कोर में से बाहर आना चाहिए, बिल्कुल, तो पहला इजेक्शन का लेंथ इतना होना चाहिए, लेंथ से पता नहीं है आप, अगर ये 20 एमएम का है, ये 20 एमएम का लोगे तो ये कॉन्सेप्ट फेल्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको स्प्रिंग यूज करना पड़ेगा, अगर स्प्रिंग यूज नहीं करोगे तो ये हवा में लटकते रहेगा, कभी प्लेट नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, तो इसको स्प्रिंग लगाना पड़ेगा, अब स्प्रिंग भी लगाऊंगा, स्प्रिंग कितना टाइप का, 6 टाइप का स्प्रिंग आता है, अभी स्प्रिंग के बारे में आगे बताऊंगा मैं,
कौन सा स्प्रिंग यहाँ पर लगाना पड़ेगा, कितना परसेंट डिफ्लेक्शन रेट होता है, ठीक है वो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी समझो तो मुझे यहाँ पे स्प्रिंग भी लगाना पड़ेगा। तो पहला हाँ समझ गया, स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। अभी मेरा क्या हो गया, मैंने शाफ्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ गया। अब ये समझो, पहला इजेक्शन मारा, मारने के बाद ये कोर से जो है आपका ये कोर से जो है ये निकल आया, मतलब यहाँ पे कोर जो है यहाँ पे है, पार्ट कोर से बाहर निकल आया। 1 mm 2 mm एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर में नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड इजेक्शन जो होगा ना, ये स्लीप मारेगा आपका, ये स्लीप सेकंड इजेक्शन, जैसे ये वाला एरिया खत्म हो गया, ये प्लेट जाके इसमें टच करेगा, ये रेड वाला प्लेट जाके अगर इस वाले प्लेट पे टच करेंगे तो क्या होगा, स्लीप चलेगा। पहला एमएम में मैंने कोर से इसको पार्ट को बाहर निकालना, सेकंड इजेक्शन जो मारूंगा ना मैं, तो मेरा सीधा जो है यहाँ पे मारेंगे, स्ट्रेट में मारेंगे, ये थ्रेड जो है जाम करके निकल आ जाएगा। अब देखो, अगर मेरा पार्ट कोर में से टाइट रहेगा तो मैं जाम करा सकता हूँ क्या? नहीं करा सकता हूँ ना, करा सकता हूँ मैं? नहीं सर, टूट जाएगा, नहीं करा सकता हूँ ना। ओ यार बहुत लोग जमा हो गए, सॉरी, टूट जाएगा ना। तो अभी आपका 70% जो है ना थ्रेड जाम करके निकलेगा। और एक चीज, जब भी थ्रेड डबल इजेक्शन मेथड लगाते हो, जो ये एंगल होता है ना, जो ये थ्रेड का एंगल है ना, ये थ्रेड का जो एंगल होता है ना, ये एंगल से ये 20% एंगल में रहता है। अगर ये 15 degree का एंगल होता है, ये कौन सा थ्रेड है, कौन बताएगा? थ्रेड के बारे में किसको नॉलेज है? जी सर मुझे। कितना टाइप का थ्रेड होता है? ये एक्मी थ्रेड है सर। एक्मी थ्रेड है ना? 29 degree। हाँ, एक्मी और अमेरिकन में क्या डिफरेंस होता है? एक्मी अमेरिकन थ्रेड्स जो होते हैं, वही सर अमेरिकन स्टैंडर्ड ही हुआ ना एक्मी, यानी। हाँ नहीं, अमेरिकन में भी टाइप अंडर टाइप्स आते हैं ना, तो हम जो हाँ पाइप थ्रेड अमेरिकन जो होते हैं पाइप फिटिंग थ्रेड होते हैं ज्यादातर। एंगल का डिफरेंस होता है सर, एंगल का डिफरेंस होता है। अमेरिकन थ्रेड जो है वो 60 डिग्री में आते हैं और ये जो होते हैं वो 55 डिग्री में होते हैं। और स्क्वायर थ्रेड कितने का आता है? स्क्वायर थ्रेड कितना डिग्री का आता है? ये जो एक्मी थ्रेड जो होते हैं और 29 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर थ्रेड जो होते हैं उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है सर, लेकिन वो 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर थ्रेड। तो कहाँ यूज करते हैं हम स्क्वायर? ज्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक है, नॉलेज है, मैं समझ गया। अब देखो, जो तुम्हारा डबल इजेक्शन बनाओगे ना, तो उसमें क्या करना है, जो ये वाला थ्रेड है ना, ये वाला थ्रेड, तो पहला पार्ट को ले आता हूँ, पार्ट को ले आऊंगा, एक चीजें आपको और समझ में आ जाएंगे। इसको आगे ले आता हूँ, जो मेरा थ्रेड है बेसिकली, जो ऊपर वाला थ्रेड होगा, जो ऊपर वाला थ्रेड है उसमें आपको एंगल ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है ना? जी सर। तो ये ध्यान रखना, अगर ये कम रखूंगा मैं, ज्यादा रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं ज्यादा रखने के लिए? कुछ सारे दिल टूटे आशीष, रोड डिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ रोड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, बिल्कुल होगा, ये इक्वल कभी नहीं करना है, ठीक है? इसका एंगल आपको ज्यादा रखना है, ठीक है? इसका एंगल ज्यादा रखना है, जंप जब होगा ना तो ये आराम से यहाँ पे रिलीज हो, ठीक है? कितना डिग्री का ज्यादा रखना है, इसका जितना एंगल है इससे 15 degree ब्लास्ट कर देना है। ये सब चीजें नहीं बताएगा कोई, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। जी सर, ठीक है, तो ये चीजें कोई नहीं बताएगा, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो इसको आप सर, सर मेरा एक्सपीरियंस कहता है जब थ्रेड बनाएंगे ना तब उसका जो स्टार्टिंग होता है वो भी ऐसे ही थोड़ा आएगा, डिग्री में ही आएगा ना। स्टार्टिंग से डिग्री स्टार्टिंग और हाँ स्टार्टिंग और एंड जो है ना वो टर्निंग में बनाएंगे, तो टर्निंग में बनाएंगे तो जब उसका स्टार्टिंग होगा वो स्टार्टिंग भी थोड़ा डिग्री में ही रहेगा। और एंड का जो थ्रेड है उसको भी खुला रखने के लिए उसको भी थोड़ा डिग्री में ही जाना पड़ेगा। देखो एंड में भी डिग्री होगा, पहले वाले का डिग्री ज़्यादा रखना है आपको, ठीक है? हाँ समझ गए सर। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना कैसे काम करेगा? समझ में आ गया ना सबको? हाँ सर समझ गए, समझ काम करेंगे, ठीक है? अब हम बनाते हैं इसको उसके हिसाब से, ठीक है? अब जो इसमें तो सर इसमें तो जब थ्रेड वाला पंच होता है तो उसमें तो वो हाइड्रो चलाना पड़ता है ना, इसमें थ्रेड डैमेज नहीं होंगे निकालते समय? हाँ निकालते जाम करके निकलेगा आपको, डैमेज नहीं होगा। हाँ वो थोड़ा प्रेशर से निकलेगा, प्रेशर से निकलेंगे। आपको यहाँ पे शार्प नहीं रखना है, रेडियस देना है, ठीक है?
और कंपोनेंट जो होगा ये जो आपका स्टार्टिंग वाला एंगल है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था थ्रेड की, तो वहाँ पे 15 डिग्री प्लस एंगल रखना है जी सर, ठीक है, कोई डैमेज नहीं होगा। दिखाओ मैं डबल मैक्सिमम कितनी डेप्थ का दे सकते हैं? हाँ स्टैंडर्ड आता है, स्टैंडर्ड आता है आपका, नहीं वो एंगल सर कितना रखना है ज्यादा वो स्टार्टिंग वाले थ्रेड में? अगर आप यहाँ पे 30 डिग्री एंगल रखते हो ना तो इसको जो है 45 के आसपास कर लें, ठीक है, क्योंकि कहना है यहाँ से अराउंड जो 30 डिग्री का रखते हैं, ठीक है, जो भी आप थ्रेड होता है 29-30 डिग्री होती है और यहाँ पे आप 45 का कर लेना ये वाला है, ठीक है। और इसका डेप कितना रखना होता है According to pitch, sir, teeth per inch कितना है उसके related depth रहता है? कितना होना चाहिए? जैसे कि मान के चले कि कोई कोई thread है जिसका teeth per inch 19 है, तो 19 teeth per inch यानी 1.33 का पीच हुआ, 1.33 जी सर, 19 टीथ पर इंच, एक इंच के अंदर 19 टीथ आएंगे सर, यानी कि 19 आएंगे। पीपी होता है ना, पीपी पीपी सीपी, इसमें जो थ्रेड, हाँ टीपी है, टीपी है टीथ पर इंच, जो जितना होता है ना, जो हम पीपी मेटल लेते हैं या पीपी सीपी मेटल लेते हैं, तो मैक्सिमम जो है 1.2 से ऊपर नहीं जाना है। अगर जी सर 1.2 आएगा, इससे ज्यादा जाओगे ना तो थ्रेड आपकी डैमेज होंगे, निकल नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, क्लियर है? गियर सिस्टम लगाना पड़ेगा उसके बाद सर। क्लियर है ना सबको? हेलो सबको क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर, जी हाँ सर, क्या रहे, ठीक है ना? जी सर, स्क्रीन छोटा आ रहा है आपका, मेरा स्क्रीन अभी सर छोटा आ रहा है, अभी बड़ा आ रहा है कि नहीं? छोटा आ रहा है स्क्रीन, नहीं सर, नहीं सही है, छोटा आ रहा है, नहीं सर ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को सही है सर, यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, है ना? अब बनाना है इसको, समझ गए सर, ठीक है। तो अभी जो है इन तीनों प्लेट को ठीक कर लेते हैं, कूलिंग बुलिंग बाद में करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्राम कूलिंग कर रखा था पहले, इस ड्राम को हटाऊंगा मैं, इसको भी हटाना पड़ेगा, चलो इसको भी रहने दो, मेन कॉन्सेप्ट मेन जो काम है वो कर लेते हैं ना, नहीं तो इसमें टाइम चला जाएंगे आधा। तो अपने को सबसे पहले पार्ट चाहिए, ठीक है, अब पार्ट चाहिए, पार्ट के साथ मेरा ये प्लेट चाहिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से मेरा कितने एमएम जो है पार्ट अंदर हो रखा है, या डायरेक्ट में पार्ट का हाइट भी निकाल सकता हूँ, है ना? तो पार्ट का हाइट कितना एमएम है? 64 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, है ना? कितना है, सॉरी कितना है, 21 है, 21 है ना जी सर, 21 है, 22, 21.99 यानी 22 सर। ये तो मेरा काम का नहीं है, मेरे को यहाँ से देखना है, फिर भी मैं इसको 22 का ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ एमएम हम सेफ्टी के लिए हम अलग से ऐड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे 20 एमएम का लेता हूँ, कितना एक्यूरेट में पहले ले लेता हूँ, बाद में जो है थोड़ा सा 1 एमएम एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए रख लूंगा या 2 एमएम सेफ्टी के लिए रख लूंगा। यहाँ से मेरे को इसके नीचे तक जाना है, तो इसके लिए यहाँ पे जाके पार्शियली सेट कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 17 mm, मतलब 20 mm ले सकता हूँ ना, 18 mm का है कि नहीं? नहीं मेरे को तो भाई कोड प्लेट से मतलब है, मेरे को उससे तो मतलब नहीं है ना, नहीं सर। तो मैं इसमें 20 mm का लूंगा, अगर 20 mm का लूंगा ना तो यहाँ पे मैं कितना mm का स्प्रिंग लेना पड़ेगा, एटलीस्ट मैं 50% डिफ्लेक्शन लूंगा, लूंगा भी तो मैं 40 कितना लूंगा, 40% लूंगा ना स्प्रिंग, 40 mm का स्प्रिंग लूंगा, क्योंकि मेरे को कितना कितना परसेंट डिफ्लेक्शन चाहिए, प्रेशर भी तो बना रहना चाहिए, मिनिमम 50% डिफ्लेक्शन का तो स्प्रिंग लगाऊंगा ना, पक्का पक्का 50% चाहिए, सही है ना? एक ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग बता नहीं रहे कोई भी, कितना 50% मिनिमम 50%। अब स्प्रिंग के बारे में नहीं पता है आपको, अब बताऊंगा मैं स्प्रिंग के बारे में। देखो जो स्प्रिंग यूज करते हैं मार्केट में, हम 6 टाइप का स्प्रिंग यूज करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग का अलग से वीडियो है तो मैं इसमें ज्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। अदरवाइज अलग अलग डिफ्लेक्शन रेंज होता है, जैसे हम रेड यूज करते हैं ना, ऐसे हम रेड यूज करते हैं 25% डिफ्लेक्शन रेंज, ठीक है, तो आप ऑरेंज यूज करते हो, ब्लू आता है, ठीक है, क्रीम आता है, तो उसके हिसाब से उसके अलग अलग स्टिफनेस होता है। तो यहाँ पे जो है हम 50% डिफ्लेक्शन यूज करेंगे, अभी हम 50% आप ये समझ लो कौन सी कलर में 50% आता है वो आगे बताऊंगा, अभी ये समझ लो मेरे को 50% वाला लूंगा मैं, मतलब मेरे को यहाँ पे 40 mm का चाहिए, जिनका
इनके इनके बीच में कितना चाहिए? 40 mm का चाहिए मेरे को, ठीक है ना? तो 40 mm जो है मेरे को, हाँ 40 mm में 20 mm कंप्रेशन लूंगा ना मैं, 20 mm कंप्रेशन, 20 mm कंप्रेशन लूंगा, और इसके बीच में भी कुछ सर्टेन अमाउंट जो है इसके अंदर भी तो रहेगा। हाँ। मेरे को तो 20 mm इधर कंप्रेस करना है, तो 20 mm लूंगा, इनके बीच में मैं ज्यादा लूंगा, तो स्प्रिंग को मैं हल्का सा इधर, जैसे यहाँ पे मेरा मान लो कितने mm का प्लेट है, ये मेरा जो है इजेक्टर प्लेट है, मैं कितने mm का है, 5 या 10 नहीं नहीं 5 का नहीं रखते, ज्यादा रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 15 mm का है मेरा, तो 15 mm में मैं 8 mm जो है इसको अंदर रख सकता हूँ स्प्रिंग को, ठीक है? और इसमें मैं पूरा 15 mm लूंगा, 15 + 8 कितना हो जाएगा मेरा, समझ में ना, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेना, नहीं समझ 23, ठीक है? नहीं तो नहीं समझ में नहीं आएगा, मत बाद में मुझे मत बोलना कि ऊपर से गया है, अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको भी नहीं बता पूछ लो, मैं 10 बार नहीं 100 बार बता दूंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। 23 इसका लेंथ है, 8 mm इसमें रखूंगा अंदर, स्प्रिंग इधर लगाना है, तो प्लस 8 mm 23 में 22 mm लूंगा, 7 mm ले लूंगा, चलो 22 mm ले लूंगा मैं, 22 mm इधर मिल रहा है, इधर मेरे को कितना मिलना चाहिए फिर, तो 5 से 10 mm प्री कंप्रेस में रखेंगे, क्लियर है सबको? मिनिमम 20% प्री कंप्रेशन में चाहिए, 20% नहीं रखेंगे हम, 10 mm रखेंगे, 5 mm रख लो काफी है, बताओ समझ में आ रहा है सबको? जी सब लोग बात नहीं कर रहा है, स्क्रीन नॉट विजिबल ऐसा, हेलो हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रही है, दिख रही है ना सबको? नहीं दिख रहा है किसको? एक बार नया से कनेक्ट हो जाओ, अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है? तो मैं कितना करूंगा यहाँ पे, 5 mm प्री कंप्रेस लग दूंगा, तो इसके बेस में 25 mm मिनिमम रखूंगा, क्लियर भाई? क्लियर है जी सर। ये भी ध्यान रखना है, ये भी तुम्हें ध्यान इसलिए रखना है, इसको 25 रखूंगा ना, ये स्प्रिंग मेरा लिमिटेड आता है, मतलब 40, 45, 50 ऐसे आता है, तो 20 में भी तुम नहीं रख सकते हो, ठीक है ना? तो तुम ऐसा नहीं, मैं 25 का रख दूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, वो फिर वो आपका आ जाएगा, फिर प्री कॉम्प्रेस में आ जाएगा वो, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना है। अब मेरा जो ये स्प्रिंग है, ये मेरा कितने का है पहले ये देख लो, यहाँ पे मेरा कितना रहेगा, कितने का है, 12 mm का, तो मुझे कितना mm नीचे लेना पड़ेगा फिर, कितना मैं लूंगा मैं, 12 mm है, तो इसको मैं जो है और ले आऊंगा, लगभग मेरे को 18 तक 20 तक लेना पड़ेगा, 20 है तो 8 mm प्लस 6 mm और हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? अब मेरे को फोन आ रहा है, अब मैं किसी दिन किसी का ऐसा फोन नहीं उठा दूंगा, समझ लेना मैं कहीं पे बिजी हूँ, फिर मैं बाद में फ्री होकर कॉल बैक करूंगा, क्योंकि आप लोग के बीच में कोई मैं कॉल अटेंड नहीं करना चाहता जब मैं क्लास में होता हूँ। देखो यहाँ पे कितना mm है, 12 mm है, ठीक है जी सर। तो मेरे को कितना चाहिए, 25 चाहिए, 5 mm प्री कंप्रेस रख रहा हूँ, ठीक है? प्री कंप्रेस को आप यहाँ भी बिछा सकते हो, इधर भी रख सकते हो आप, जी जी जी, ठीक है? और अगर 13 mm, हाँ अगर आप जो चाहते हो 15 15 इधर ऐड करूँ मैं, लेकिन फिर इसकी स्प्रिंग का लोकेशन जो ये इसका स्प्रिंग लोकेशन और ऊपर का स्प्रिंग लोकेशन फिर अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि दोनों स्प्रिंग को एक ही में गाइड नहीं कर सकते हो आप, या नहीं तो आप इसको 7 mm इसलिए बोला होगा, इसको 7 mm ले लो और इसको 0 0, ठीक है ना? तो ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे को कितना करना है यहाँ पे, देखो मेरे को तो चाहिए 25 mm का, सही है, 25 - 12 13 13 mm, तो मैं जो इसको 13 mm तो ले जाऊंगा नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक ही लोग बात कर रहा है, फिर बाद में मुझे ना कुछ वो नहीं चाहिए, सभी को मैं पूछ रहा हूँ, दोबारा पूछ रहा हूँ, तीन बार पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दोबारा समझा दूंगा मैं, बताओ भाई। समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, बताओ। ठीक है, हेलो, यहाँ पे सिलेक्ट करा, ठीक है, मूव फेस ले रहा हूँ, मूव फेस, ठीक है, मूव फेस लेने के बाद कितने mm नीचे लेना है? 13 mm, 13 mm, तो 13 mm जो है इसको मैं नीचे ले आऊंगा,
ठीक है 13 mm, ये आपका नीचे आ गए। अब ये वाला जो एरिया है वो परफेक्ट है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना। सही है, स्प्रिंग के अकॉर्डिंग मैंने 30 mm ले लिया। अब मुझे स्लिप को इजेक्ट करना है। अब स्लिप इजेक्शन कितना होगा? अब स्लिप को इजेक्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे भी मेरे को ये प्लेट जो थिकनेस है ना इसका ज्यादा है, तो इसको मैं ज्यादा अंडर ले सकता हूँ। तो मेरा ये वाला स्प्रिंग जो है मैं 50% नहीं भी लेके 30% मेरा यूज कर सकता हूँ या 25% भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा लेंथ स्प्रिंग की जो प्लेट की हाइट है ज्यादा है, तो इसको मैं ज्यादा तक ले सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ। यहाँ पर भी स्प्रिंग है सर? हाँ, वहाँ पर भी स्प्रिंग है। यहाँ पे भी स्प्रिंग यूज करूंगा ना, दोनों में यूज करूंगा। यहाँ पे नहीं यूज करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ सर? प्लेट ऊपर ही रह जाएगी, वो ऊपर वाली। ओके सर, स्लीव वाली, जी सर समझ गया, स्लीव वाली प्लेट नीचे नहीं आएगी सर। नीचे सब आएंगे, लेकिन सर रिटर्न पिन से तो पीछे धक्का लगेगा इसको कि नहीं? से नीचे सब आएंगे, लेकिन क्या होगा ना, ये हवा में रहेगा। स्लीव वाला जो है वो हवा में रह जाएगा, अगर स्लीव वाला अटक ही जाए इसमें भी। जो सर ऊपर जो ऊपर आएगा स्प्रिंग, उसकी कितनी कंप्रेशन वगैरह लेते हैं? अभी अभी बताऊंगा, उसमें ऊपर वाले में आ रहा हूं अभी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बताओ? 18 लोग हो, 20 लोग पहले काम हो गए, 2 लोग पता नहीं क्या हो गए, किसी का चार्जिंग प्रॉब्लम था। ठीक है, सबको आ रहा है ना समझ में? जी सर, जी जी सर, आ रहा है। ठीक है ना, अभी लोग ना कोई किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, फिर आगे थोड़ा सा और ताप होने वाला है सर। मैं अभी तक वहां तक पहुंचा ही नहीं सर, ये पूरा एसएमटी का वगैरह जो चालू किया है ना, वो खाली स्प्लिटिंग का मतलब ये करने का, पार्टिंग लाइन देने का हुआ था कि कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना चीजें ऑटोमेटिकली बनाने लग जाओगे। पहले एक कैसे क्या चीज हो रहा है, पहले उसकी कॉन्सेप्ट समझो। मेन होता है दिमाग में एक आइडिया बैठ जाएगा ना, आइडिया कैसे सोच सोच के खुद बना सकते हो, कितना भी बड़ा मोल लो। ठीक है, अब ये मतलब ऊपर से जा रहा है, ऊपर जा रहा है काफी सर, मतलब थोड़ा ऊपर से जा रहा है सर। नॉर्मल अभी 2 प्लेट 3 मतलब जो सर बेसिक मोल्ड होता है ना सर, 2 प्लेट 3 प्लेट और 3 प्लेट में जो 3 प्लेट की डिटेलिंग, बाकी ये डबल इंजेक्शन तो मैं पहली बार मतलब देखा ही है मैंने आपके आपकी वीडियो में देख रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। पता नहीं था इसके बारे में। यहाँ तक तो समझ में आएगा ना कैसे कैसे मैं स्प्रिंग ले रहा हूँ, कैसे कैसे मेरा स्ट्रोक डिसाइड कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो सर जी, रिपीट करते हैं गुरु जी, रिपीट कर दू? यस सर प्लीज। देखो सबसे पहले सर रिपीट कीजिए, सबसे पहले मेरे को स्प्रिंग वाला पोर्शन कर दो रिपीट एक बार, आगे का क्लियर है ना। देखो एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं, किस टाइप का मोल में डबल इंजेक्शन लगाना है, जो कॉनिकल टाइप का होता है, जिस पार्ट जो है कोर के अंदर 90% पार्ट जो है कोर के अंदर होता है, कॉनिकल या सिलिंड्रिकल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हम डबल इंजेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब डबल इंजेक्शन मेथड में क्या होता है, एक शाफ्ट होता है, एक स्लीव होता है। ठीक है, तो शाफ्ट क्या होगा, सबसे नीचे रहेगा शाफ्ट, उसके बाद जो शाफ्ट को कौन चलाएगा, एक इजेक्टर असेंबली शाफ्ट को चलाएगा, और दूसरा स्लिप कौन चलाएगा, दूसरा इजेक्टर असेंबली शाफ्ट चलाएगा। तो पहला जो स्ट्रोक होगा वो कौन करेगा, आपका नॉकआउट रॉड करेगा। ठीक है, नॉकआउट रॉड जो है पहला इजेक्टर असेंबली को हिट करेगा, तो क्या होगा, जो कोर से अंदर जो है पार्ट बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद पहला जो है मेरा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये जो स्प्रिंग होगा ना, अब कहानी अभी आएंगी, जो मैं यहाँ पे तो 50% डिफ्लेक्शन लिया हूँ ना, अब समझना। अब पहले जो है डिफ्लेक्शन कौन सा होगा, ये होगा, तो ये पूरा हीट नहीं होगा ना, पहला मुझे इसके साथ तो मुझे स्लिप को भी बाहर ले जाना है, मेरे को स्लिप को भी बाहर ले जाना है, तो मुझे पहला अगर हीट करूंगा तो इन दोनों को हीट नहीं होना चाहिए, पहले पहले मेरा ये होना चाहिए, मतलब सारों चीजें एक साथ चले जाए, बाद में ये वाला हीट करे पूरा, मतलब इसको इजेक्ट हो गया, फिर इसके बाद ये निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं? जी सर, क्या बोल रहा हूँ बताओ? पहले पहले जो है वो शाफ्ट हीट नहीं होना चाहिए, पहले वो स्लीव ही हीट होना चाहिए, तो चारों चीज साथ में चलनी चाहिए। पहले अगर यहाँ पे मैं स्प्रिंग लगाऊंगा तो स्प्रिंग जो है कुछ अमाउंट तो कंप्रेशन होगा ही ना, तो जो कंप्रेशन होगा ना,
तो ये इतना ताप होना चाहिए, इतना ताप होना चाहिए पहले ये कंप्रेशन हो जाए। तो यहाँ इसकी डिफ्लेक्शन रेट जितना होगा ना, इसकी डिफ्लेक्शन रेट अलग होगा, मतलब ये पहले पूरा डिफ्लेक्शन होना चाहिए, डिफ्लेक्शन होके इसको हीट करना चाहिए। सर एक चीज, सर एक चीज बताओ सर, इसके बीच में बीच वाली पोर्शन में अब स्प्रिंग लगा हुआ है ना, बस खाली नीचे से स्प्रिंग लगानी नहीं पड़ेगी, इसमें लगाना पड़ेगा दोनों। नीचे वाला जो पोर्शन है कहना में, दोनों में लगाना पड़ेगा। मैं शुक्र फिर दोनों में लगाएंगे सर, एक सर एक साथ रिफ्लेक्शन नहीं होगा दोनों का एक साथ, जब पीछे से सिलेंडर हिट करेगा तो दोनों जी अलग अलग कंप्रेशन लगाऊंगा ना। तो सर इसमें स्प्रिंग का गैप कम रखोगे ना सर, नीचे वाले में स्प्रिंग का गैप 5-7 mm रखना पड़ेगा बस खाली, ऊपर वाले में ज्यादा रखना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा सर, नीचे वाले में स्प्रिंग का गैप कम रखना पड़ेगा ना। स्प्रिंग का गैप कम क्यों रखूंगा मैं सर, जैसे पीछे से सिलेंडर हीट करेगा हमारा मशीन का सिलेंडर, हाँ। पीछे से हीट करेगा, हाँ। तो ये थोड़ा आगे जाएगा और फिर आगे वाले को हीट करेगा जाने, हाँ। के बाद, हाँ। तो उसके बाद जब भी तो पीस निकलेगा हमारा बाहर, हाँ। तो मतलब फिर स्प्रिंग इतनी बड़ी लगाएंगे सर, इसमें दिक्कत नहीं आएगी फिर। सुन तो लो, क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं कंप्रेशन स्प्रिंग लगाऊंगा ना 50% वाला, तो यहाँ पे लूंगा मैं 20% वाला। ये कंप्रेस होने से ये दबना नहीं चाहिए, इसकी कंप्रेशन लेंथ ज्यादा होगा। ये तो सर ज्यादा ही होगा, होगा ना, हाँ ये तो ज्यादा ही होगा सर, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसके साथ ये दब जाएगा। हाँ ये दब जाएगा पक्का, दबेगा ना इसकी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 50% डिफ्लेक्शन लगा रहा हूँ ना, डिफ्लेक्शन लगा रहा हूँ, तो इसके साथ क्या होगा, इसको जो है हल्का वाला लगाना पड़ेगा, 25% लगाना पड़ेगा, ये पूरा दबना सही है, उसके बाद ये हीट होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे मैं 25 mm एक्स्ट्रा ले रखा हूँ, 5 mm जो है प्री कंप्रेस है, मैं इधर भी ले सकता हूँ, इधर नहीं लिया मैंने, इधर लिया क्यों, आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आप 25 mm को लिया आपका, तो इसमें भी बन जा रहा है, मेरा तो 18 mm में पार्ट इजेक्ट हो रहा है, मैं तो यहाँ पे 25 ले रहा हूँ, किस बात के लिए ले रहा हूँ 25, इसी बात के लिए तो मैं 25 ले रहा हूँ। स्प्रिंग लगेगी ना सर, वो 25 बीच में गैप होगा ना 7 mm का सर, उसमें बीच में स्प्रिंग तो लगेगा यार, स्प्रिंग क्यों नहीं लगेगा, किसी लिए मैं 25 लिया, मेरा तो 20 mm में हो रहा है। हाँ सर वो समझ में नहीं है, बीच में हो रहा तो 25 के लिए 25 mm इसीलिए लिया, यहाँ पे अगर मैं 50% डिफ्लेक्शन लूंगा ना, 50% मतलब अगर मैं यहाँ पे 40 का लूंगा तो 20 mm में हो जाएगा, लेकिन जो प्री कंप्रेशन है, प्री कंप्रेशन है, इसको मैं इधर भी छुपा सकता था, मतलब यह जो गैप है ना स्प्रिंग लगाने के लिए, इसके अंदर भी रख सकता था मैं, लेकिन मैंने इसके अंदर नहीं लिया, मैंने प्री कंप्रेशन इधर ले लिया, इसीलिए स्प्रिंग बड़ा लगा दिया। हाँ इसीलिए कि मेरा जो 20 mm में काम हो रहा है वो 5 mm और हो सकता है, मतलब ज्यादा लू मैं इसको, कंप्रेशन ज्यादा हो मेरे पास, क्योंकि 50 mm से ऊपर कंप्रेशन नहीं है, फिर उसको अगर ज्यादा बुराऊंगा ना उसकी लाइफ साइकिल कम हो जाएगा स्प्रिंग की, तो मैं यहाँ पे 50 mm नहीं सर, फिर ये दो प्लेट कनेक्ट हो रहेगी आपस में, जितनी ज्यादा हम बढ़ा देंगे कंप्रेशन, जितना डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगी आपस में प्लेट्स दोनों, प्लेट्स देखो वो कनेक्ट ना करने के लिए अलग से हम स्टॉपर लगा सकते हैं, वो अलग बात है, स्टॉपर की बात नहीं कर रहा, पहले कॉन्सेप्ट समझो, प्लेट कनेक्ट भी हो जाए ना, मैं अगर स्प्रिंग को अगर 0-0 कर दूंगा तो कनेक्ट भी हो सकता है, अगर स्टॉपर लगाऊंगा मैं स्टॉपर लगा के भी काम कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। यस सर, अगर मैं और सेफ्टी और अगर मैं और सेफ्टी चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ कि और सेफ्टी में आ जाए, तो यहाँ पे मैं स्टॉपर लगा सकता हूँ और इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा मैं, हो सकता है, तो सब लोग नहीं सोच पा रहे एक दिमाग से, पहले पूरा सोचो। नहीं सर फिर तो सर स्प्रिंग का काम ही खत्म हो जाएगा, स्प्रिंग जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर स्टॉपर लगा दोगे तो स्टॉपर ही काम कर जाएगा। क्यों नहीं सर, स्टॉपर लग जाएंगे, पीछे से धक्का मारेगा वो स्टॉपर वहां रुक जाएगा जाके, बीच में मत बोलो, पूरा पहले कहां से क्यों स्टॉपर क्यों पहले पूरा काम करेगा, स्प्रिंग का जरूरत क्यों नहीं पड़ेगा, स्प्रिंग नहीं लगाऊंगा तो सपोर्ट से मेरा पोल कैसे हो सर, उसमें जब स्टॉपर लग जाएगा सर फिर कैसे काम करेगा, फिर वो स्टॉपर लगने के बाद में सर ये मैं बोलूं सर,
50% कंप्रेशन रेशियो यानी कि किसी भी स्प्रिंग को आप 50% तक दबा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दबा सकते बराबर। और ऊपर का जो स्प्रिंग है वो 20% का रेशियो यानी कि उसको आप 80% दबा सकते हो, 20% नहीं दबा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो ऊपर का जो स्प्रिंग है वो 5 mm का स्प्रिंग 20 mm कंप्रेशन होगा, मतलब उसका स्टिफनेस ज्यादा होगा। अच्छा, यानी कि वो 80% नहीं दबेगा। अब देखो मेरा काम कितने का करना है, मेरे को काम 20 का करना है, है ना जी सर। 20 के काम में, 20 के काम में यहाँ तक तुम रुको, अभी इसके बाद पहले ये समझ दो सब लोग को इतना तक समझ में आए कि नहीं। जी सर, वो तो आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, पर्पस क्या है वो समझ में आ गया, डबल इजेक्शन क्यों चाहिए। हां सर समझ में आ गया। हां सर समझ में आ गया। जुनेद सर पर्पस वगैरह समझ में आ गया। अभी सबको बताऊंगा एक एक करके। जुनेद हाँ सर समझा। पार्ट हाँ सर समझ गया। राकेश थोड़ा तब जा रहा है, समझ रहा है। रावण 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 दशानन रावण बताओ। नहीं ये थोड़ा सा हुआ है। बारिश जो है अभी क्वेश्चन पूछ रहा है तो थोड़ा सा डाउट है। विक्रम ठीक है ना? ठीक है सर। योगेश थोड़ा साफ लग रहा है ना? हेलो हाँ थोड़ा सा साफ है। हाँ टॉप लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा मतलब कितना आ रहा है? ना मतलब सब बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए था। ये पूरा मैकेनिज्म हेलो हेलो हाँ अच्छा वो स्प्रिंग का जो कॉम्प्रेशन का एयर है था ना उसके बारे में मतलब अलग से करा वीडियो। हाँ अलग से वीडियो बना रखा हूँ। किस टाइप का स्प्रिंग है, कौन सा स्प्रिंग कहाँ पे कैसे लगाना है, कैलकुलेशन क्या होता है, अलग से वीडियो बना रखा हूँ। ओके हाँ योगेश बताओ कितना समझ में आया, कहाँ तक नहीं आया, क्या क्या नहीं आया बताओ, समझा देता हूँ। सब लोग अपने ही हो, बिंदास पूछो। सर पहले बेसिक से मतलब ये तो बहुत एडवांस हो गया, ये एडवांस तुम्हें करना पड़ेगा, बेसिक तुम्हें एडिट में करवा ही रहा हूं। नहीं मैं मुझे क्या अभी तक पता चला पता है कि आपके वीडियो से वो कोर कैविटी कैसे निकलते हैं, पार्टिंग लाइन वगैरह कैसे सिलेक्ट करते हैं वो मुझे पता चला है, लेकिन ये कोर कैसे बिल्ड करते हैं वो कुछ अभी तक पता नहीं। वो प्लेट वगैरह कैसे सिलेक्ट करते हैं, कितना थिकनेस लेना, कितना वेट लेना। प्लस सर आपने मुझे क्लास 12 तक वीडियो भेजे है, मोल बेस तक हुआ है ना? ठीक है सरो कोई नहीं, को समझ ये लो सर, कैसे कॉन्सेप्ट हो रहा सर, है दस, सर 10 नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। हां 10 नंबर क्लास तो सर मेरे पास ही नहीं, 9 क्लास 9 के बाद 11 12 है। हां मेरे पास भी वैसे ही है। 10 नंबर क्या ये नहीं है? 10 नंबर नहीं है सर, 9 के बाद 11 12 है सीधा। चेक करता हूं मैं एक बार, 10 नंबर होंगे सबको मिले होंगे। युवराज सर ठीक है? हेलो सर। जी सर समझ आ रहा है ना? और कोई मैसेज करा है? हां जी सर। हां ठीक आ रहा है सर। अब देखो सर ये क्लास वन तक ही किया हुआ है। हां सर सर मेरा वीडियो जो है वो YouTube पे है। एक एक करके स्प्रिंग वाला जो वीडियो है ना आपका सर, ये स्प्रिंग का कांसेप्ट कैलकुलेशन वाला, हां 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 वो YouTube पे है? नहीं नहीं YouTube में नहीं है, क्लास पे। YouTube में नहीं चल सकते सब चीजें। अच्छा लेकिन मेरे पास अभी तक 3 ही क्लास आए इसलिए मुझे आईडिया नहीं। नहीं मैं तो अभी ले लिया सर, अभी जो बैच है ना ये नया वाला बैच उसमें भी ले लिया, 2-3 लोग नया भी होंगे इसमें। ओके सर मैं भी आया हूं अभी, क्लास 1 ही किया सर। ठीक है अब देखो सर। हेलो अब समझो, समझना मेन चीज में। हेलो हेलो सर, सर इसकी कैलकुलेशन की पीडीएफ वगैरह होगी आपके पास? इसके माने इस मोल के मैं स्प्रिंग यानी स्प्रिंग की स्प्रिंग की कैलकुलेशन कैसे निकाल रहे हैं? पूरी क्लास है, क्लास में दूंगा अराउंड 28 या 29 में। ओके देखो अब समझो, इसको अगर मैं हल्का स्प्रिंग लगाऊंगा, हल्का बोले तो इसकी कंप्रेशन रेशियो कम होगा, तो मतलब आराम से इसको मैं दबा सकता हूँ, यहाँ पे मैं 50% कंप्रेशन ले रहा हूँ तो ये आराम से ये दब जाएगा ना। हुँ। इसको हल्का रखूंगा और इसको मैं स्टिफ रखूंगा, इसको स्टिफ रखूंगा मैं,
क्योंकि मेरे को पहले इसको यहाँ तक ले जाना है, और ऐसा ना हो कि ये 50% या 20%, तो इसको मैं दबाते चक्कर में इस ये मान लो 25 mm है, ये 15 mm दबने की बात ये प्लेट दबने लग जाए, मतलब ये सही तरीके से ये कंप्रेशन ना हो पाए। तो यानी कि पहले शाफ्ट बाहर निकलेगी तब तक स्लीव नहीं हिलनी चाहिए, स्लीव नहीं निकलना चाहिए, स्लीव भी निकलेगा जब ये प्लेट जाके ये निकलेगा। इसका मतलब है कि जब शाफ्ट अपनी जगह आएगी तब वो पार्ट अपने आप निकलेगा, जो स्लीव है ना वो इजेक्शन मानना चाहिए लास्ट में, और इजेक्शन एक बार इजेक्शन होता है, ऐसे ऐसे इजेक्शन होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, एक बार में तो कोई इजेक्शन नहीं होता है, बोल चलाते हो तो देखने ना। तो अब मतलब सर पहले जो जो लास्ट वाली प्लेट है वही पहले चलनी चाहिए, आगे वाली प्लेट हिलनी नहीं चाहिए। जी सही सही, पूरा स्लीप को ले आऊंगा बाहर, पूरा समझ गया, स्लीप सॉरी पहले मैं शाफ्ट को ले आऊंगा पूरा बाहर। हाँ शाफ्ट को पहले बाहर लाएंगे ताकि कोर में से निकल जाए पार्ट, कोर में से निकल जाए ठीक है, और कोर मेरा जो पॉलिश रहेगा पूरा पॉलिश रहेगा जी। और जब इसको मैं निकालूंगा ना, इसको निकालने समय इसमें क्या होगा, यहाँ पे दे रखा हूँ ना सबमरीन गेट, सबमरीन गेट भी टूट जाएगा जी। हाँ गेट भी टूट जाएगा सबमरीन गेट, ठीक है ना, ठीक है जी। अब मेरा यहाँ पे गेट भी टूट गया, अब मैं इसको बाहर निकल के आ गया। अब आपको मैंने ये समझाया है कि सर ये जब मेरा बाहर निकलेगा, ये जो मेरा बाहर निकल, ऐसा ऐसा ना हो कि ये मेरा 15 mm में स्प्रिंग की वजह से कंप्रेस होके ये वाला मोल्ड, ये वाला असेंबली प्रेस होने लग जाए, ये नहीं होना चाहिए है कि नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बता रहा हूँ कि ये जो कंप्रेस होने में ये कंप्रेस हो सकता है भाई, इसको अगर मैं 30 mm सही है मेरा 15 mm में ये दबने लग जाएगा, क्यों यहाँ पे स्प्रिंग है, कुछ प्रेशर तो यहाँ पे देंगे इस असेंबली में तो ये दबने लग जाएगा, लग जाएगा ना, अगर मान लो हल्का से भी यहाँ पे प्रेस करेगा तो फिर दिक्कत तो कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरा पहला जो है ये निकलेगा, तब तक ये हाँ। ये देखो ये 10 mm नीचे रहेगा तो दिक्कत कुछ नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए ना हम क्या काम करेंगे बताए, क्या करेंगे यहाँ पे 5 mm ऐड कर रखे है, पहला सेफ्टी नंबर 1, 2 ऐड करा है जी, जी। सेफ्टी समझ में आ गया, क्योंकि मेरा हाँ आ गया सर, आ गया समझ में आ गया, हीट हो सकता है ताकि स्प्रिंग जो है अपना 50% वाला रेशियो पहले अचीव ना कर ले, उसको थोड़ा गैप मिल जाए। बिल्कुल दूसरा चीज है यहाँ पे हम 4 स्प्रिंग लगाएंगे, 1, 2, 3 साल, कौन सा वाला 50% डिफ्लेक्शन वाला, पहला 5 mm एक्स्ट्रा, सेकंड सेफ्टी यहाँ पे 50 mm डिफ्लेक्शन लगाऊंगा मैं, सेकंड सेफ्टी, थर्ड सेफ्टी यहाँ पे अगर मैं 4 स्प्रिंग लगाऊंगा या 2 स्प्रिंग लगाऊंगा, यहाँ पे 6 स्प्रिंग लगाऊंगा 20% डिफ्लेक्शन वाला, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा बना रहे लास्ट में, जब आपका यहाँ पे नॉकआउट रोड पूरा हीट करेगा ना, पूरा हीट करेगा तब जो ये कंप्रेस हो, ये तब कंप्रेस हो। क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है? क्लियर सर। अब हम इसके हिसाब से इसको करते हैं, ये 25% समझ गए, अभी मैं स्प्रिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, स्प्रिंग में थोड़ी देर बात करूंगा, पहले दोनों प्लेट को इक्वल बनाता हूँ ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो प्लेट है, इस प्लेट की साइज देखते हैं हम कितना है। गुरविंदर जी समझ में आ रहा है ना आपको भी? हेलो गुरविंदर जी, देख रहे हो कि रिकॉर्डिंग में आप चला गए हो ना? हेलो गुरविंदर जी, बहुत मतलब एज है, लेकिन अभी भी इसी टाइम में ना वो चीजों को सीखने के लिए वो रखते हैं अभी भी। अच्छा ये है कि बाहर जाएंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे
ठीक है, खुद की कंपनी भी है उनकी, ऑन करते हैं, फिर भी आज 58 या 52 साल जितना भी हो गया, फिर भी वो चीजें अभी भी सीख रहे हैं और अभी भी बाहर जाएंगे, ठीक है। तो आप सोचो इस उम्र में भी इतना सीख रहे हैं, और आप लोग का तो किसी का 22 साल है, किसी का 25 है, 30 है, ठीक है ना, सीखने का कोई ऐसी उम्र नहीं है, अभी भी वो सीखने की कोई अभी भी ये मोल्ड डिजाइन कर रहा है, उसके बाद वो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है। अब मेरा बैच स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं मोल्ड डिजाइन में करा रहा हूँ, जब मेरा रिवर्स इंजीनियरिंग का बैच स्टार्ट होंगे तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है जी सर। अब देखो, अब देखो ये धर्मेश जी है ना, इसकी भी कंपनी है खुद की, है ना जी सर, जी सर। यहाँ पे ओनर भी है, ओनर भी है, और एक लड़का है, कौन है, इसका भी कंपनी है, कहाँ गया वो, अभी तो था शायद वो चला गया, 17 हो गया ना इधर में, उसके भी खुद की कंपनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 48 mm है, 48 mm है, 48 mm में कितना परसेंट वो होगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को ट्रेड देखना है, मेरे पास ट्रेड निकल जाए, पार्ट तो वैसे ही निकल जाएगा क्योंकि पार्ट में ड्राफ्ट है, पार्ट में अंदर जो है आपका ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट है, तो मेरे पास ट्रेड निकल जाए। अब मेरा ट्रेड कितने में निकल जा रहा है, पहले आप ये देखो ट्रेड कितने में निकल जा रहा है आपका, मैं सेक्शन काट रहा हूँ, ठीक है अभी तो मिनिमम 50% होगा शायद, 20 mm का है तो लगभग 8 या 12 mm में तो ये थ्रेड निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कितने हैं, कितना mm है, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन लगाऊंगा, कि आप लोग को भी समझ आए कि मैं क्या दिमाग में सोच के कर रहा हूँ, है ना जी सर। ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे सेक्शन को ऑन कर लिया, ठीक है। देखो अब ये आप देखो यहाँ से मैं मान लेता हूँ मेरा ट्रेड है, यहाँ से आपका मैक्सिमम इधर तक है ना, इस पॉइंट तक है, कितना एमएम है, 10 mm, तो मैं 12 mm ले सकता हूँ, राइट, ठीक है, 12 mm ले सकता हूँ, तो मेरा स्लिप एटलीस्ट 12 mm इजेक्ट हो जाए, 12 mm है कि नहीं, 12 mm इजेक्शन हो, 12 mm से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिनिमम 12 mm का होना चाहिए, 48 mm का है, 48 mm तो है, लेकिन एक्सेल में 48 mm से ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, यहाँ पे जैसे देखोगे ना आप, यहाँ पे भी मैं कुछ यूज कर सकता हूँ, मतलब मेरा स्पेस के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ, और मैं यूज कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं स्प्रिंग लूंगा तो इस प्लेट यहाँ पे ना लेके मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल्टिंग कर रखा हूँ दोनों प्लेट, अगर मेरे को लेंथ चाहिए तो मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब इसको 15 mm का भी यूज कर सकता हूँ, तो अभी जो है मैं 15 mm नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से ही ले रहा हूँ, कितना mm का मैं यहाँ पे स्प्रिंग यूज कर, 48 mm, और इधर प्लस है आपका कितना, 15 mm, राइट, 15 हो जाएगा मेरा 48 प्लस 15 mm, 63 mm में कितना परसेंट कंप्रेशन हो जाएगा, 65 का मान लो आप, ठीक है, तो अगर मैं इसको 20% कंप्रेशन रहता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, 54 इनटू 65 कितना हो जाता है, 13 mm का कंप्रेशन मिलता है, मेरा काम बन जा रहा है, बन रहा है, 13 mm तो पूरा है मेरा। अब मैं अगर मुझे पूरा करना है तो मैं इस प्लेट का और ऐड कर सकता हूँ 15 mm, तो 65 + 15 कितना हो गया आपका, 80 mm का, राइट, 80 mm में कितना हो जाएगा, 20 mm, 80 mm का 20% यानी 16 mm कितना हो जाएगा, 20 / 100 इनटू 80 mm कितना हो गया, 16 mm, इसमें से भी पहले तो कुछ प्री कंप्रेशन लेना पड़ेगा ना, 16 है ना, प्री कंप्रेशन लेना पड़ेगा ना, हाँ थोड़ा दबाव रखना पड़ेगा, तो 5 mm तो प्री कंप्रेशन लूंगा ही मैं आराम से, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में, इस प्लेट की हाइट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, या इसकी हाइट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसकी हाइट बढ़ाएंगे हम, कितने में बढ़ा सकते हैं हम इसकी हाइट, तो 5 mm मुझे बढ़ाना पड़ेगा, अब मेरे 15 mm है यानी 63, अब मैं जो यहाँ पे 5 mm इधर कितना लिया था मैंने, इधर कितना mm, 2 mm लिया था ना, और ये भी देखना है कि ये इसका गैप कितना बचा है, मिनिमम कितना mm होना चाहिए,
एटीएम नहीं नहीं इसकी और इसकी बीच में कितना थिकनेस रहना चाहिए ठीक है 15 एमएम तो है तो अच्छा बात है लेकिन प्लेट ही बहुत पतला है और उसके बैक प्लेट भी सपोर्ट में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे ऐसे ठीक है तो मैं क्या करूंगा इसको जो है 16 एमएम है तो इसको मैं 5 एमएम प्लस करूंगा 5 एमएम क्यों प्लस करा समझ में आए ना हां सर क्योंकि मेरे को यहां पे यहां तक लूंगा ना तो मेरा कितना एमएम बन जा रहा है 16 एमएम बन जा रहा है तो मैं जो है यहां पे और ज्यादा बनाऊंगा क्यों मैं नहीं चाहता भाई इस प्लेट को मैं मशीनिंग करूं डैमेज करूं अगर ये मेरा 15 एमएम बढ़ जाएगा प्लस 21 एमएम बढ़ जाएगा 5 एमएम प्लस 15 एमएम ठीक है मैं 20 एमएम बढ़ा दे रहा हूँ या 20 एमएम नहीं बनाओगे एमएस का है इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा आपको तो आपको ये भी करना पड़ सकता है यहाँ पे इसको करना पड़ सकता है स्प्रिंग लगाने के लिए उसमें सर मशीनिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा इसका बस मशीनिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा ठीक है या नहीं तो इसको किसी में बढ़ा दो दोनों में से ये किसी में भी अच्छा रहेगा ठीक है एक एक करके आपकी ख्वाहिश है देखो मैं सारा चीजें बता दे रहा हूँ क्या करोगे तो क्या नहीं करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद जो है इसको भी ले लेंगे और इसको भी ले ठीक है अब इसको सिलेक्ट करूंगा तो भाई इसको भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना पूरा इसको भी ले लेंगे सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे पूरा आ जाएगा ये नीचे ये भी आ जाएगा नीचे आपका कितने एमएम आ जाएंगे 21 एमएम आ जाएगा आपका अगर देखो ठीक है अब देखो ये जरूर देखना है आपका जो आपका इजेक्शन है ना लिमिट कितना है 120 एमएम का इजेक्शन स्ट्रोक कितना आता है कितना लिमिट का आता है अगर नहीं होता है फिर आपको हाइड्रोलिक लगाना पड़ता है पता है कि नहीं ये नहीं सर ये नहीं पता था हाँ जी सब लोग बताओ एक ही लोग बात कर रहे हैं बताओ 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 नहीं पता था सर नहीं पता सर नहीं पता हेलो 120 टन की yes, मशीन में 120 टन की मशीन में कितना होता है इजेक्शन स्ट्रोक 2 mm होता है सर 2 mm होता है बहुत अगर मैं 200 टन में जाऊंगा कितना हो जाएगा उसमें 150 से 70 से कुछ होगा कैसे पता लग रहा है इसका मैंने पीडीएफ दे रखा हो नहीं सर मैंने पूछा था आपने उस दिन बताया था ना जब हाइड्रोलिक का जब मैंने मोल्ड ऑपरेटर से पूछा था हाँ, मोल्ड ऑपरेटर से पूछा था ना है हैतानिक है सर हमारे पास उस टाइम मैं भी हम लोग को भी हैतानिक का यूज करते जा रहा था ठीक है ये देखो ये चीज है ये आपके पास होना चाहिए जब भी मोल्ड डिजाइन करते हो अब क्लास की बात मेरे को एक बार मैसेज कर देना मैं भी इसकी पीडीएफ शेयर करता हूं कितना होता है 120 का कितना होता है 90 टन का कितना होता है हां बताओ आपका नेट स्लो है और आवाज बहुत मशीन डेटा मैसेज कर दो आवाज आपका फंस जा रहा है वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहां पे मैसेज करता हूं क्लास खत्म होने के बाद वही कि वो मशीन डेटा की चीज को शेयर कर देना हां ठीक है एक बार मुझे मैसेज तो ये जो है ना इसकी आपको पता होना चाहिए अब मेरा जो है कितना टन होगा अगर मैं इसको 150 टन में ले जाऊंगा ना तो 120 टन में सर मैं ये कह रहा हूँ जो ये मशीन डिटेल मशीन समझ पा रहे हो क्या मैं नहीं समझ पा रहा फट जा रहा है आपको आप सुनाई दे रहा है सभी को सबके जी सर आप आकाश राय जो बोल रहा हूँ ना मैसेज में डाल दो आपका आवाज फट जा रहा है पूरा इको होके खत्म उनका नेट स्लो है नेट स्लो है आपका यहाँ पे डाल दो मैं पीडीएफ दे दूंगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है देखो कॉन्सेप्ट समझो अभी तो ये जो है ना कितना एमएम होना चाहिए 100 एमएम का हो रहा है अब 100 एमएम का होगा मतलब यहाँ पे कितना होगा पहले देखो यहाँ से इजेक्शन मारेगा ये और प्लस इधर भी है इधर 25 एमएम है और इधर जाएगा आपका कितना एमएम इजेक्शन मारेगा यहाँ पे 20 एमएम मान लेता हूँ मैं है ना 20 मान लेता हूँ और इधर 25 चाहिए 20-25 कितना हो गया 20-25 प्लस 25 आपका 45 एमएम अभी भी मेरे पास कितना एमएम है 48 55 एमएम है ना
ये 15-15-30 बन जाएगा क्या? सात लास्ट सात हो जाएगा। 5 mm क्या बोल रहा है? हाँ हेलो, हाँ सर, 5 mm कम पड़ रहा है ना? कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है ना, तो कितना mm इजेक्शन मारेगा फिर? अपना इजेक्शन तो 60 प्लस चाहिए ना, 65 सर। 65 क्यों चाहिए? मैं 120 नंबर में जा रहा हूँ ना, 120 नंबर में इजेक्शन तो कितना होता है? अच्छा सॉरी, वो नहीं मालूम सर, वो नहीं मालूम, इजेक्शन स्टॉक नहीं मालूम। 100 mm है ना, अरे सब पूछ करना पड़ता है, एक मोल बनाते हो ना ये, देखो ये सब चीजें बता रहा हूँ ना मैं, ये कोई नहीं बताने वाला आपको। नहीं सर, वो डेटा नहीं है मेरे पास, वो मुझे नहीं पता है, इसलिए नहीं पता है। लेकिन मोल बनाओगे ये सब चीजें यूज करना चाहिए आपको, यूज करना ही पड़ेगा। आप मोल बना के आपने दे दिया, मशीन नहीं निकल रहा है, इजेक्शन ही नहीं मार रहा है, तो क्या करोगे फिर आप? आज से निकल जी सर, मशीन डिटेल की इंफॉर्मेशन होना जरूरी होता है सर, 100 mm का स्टॉक है तो हम उसपे 50-60 mm चलाएंगे ना, 70-80 तो चलाएंगे, हम थोड़ी चला देंगे उसमें। मैक्सिमम कितना है? 100 mm है ना अभी, चलाएंगे ना सर उसमें, कम चलाएंगे अब, इसमें तो ज्यादा हो रहा है, 5 mm एक्स्ट्रा जा रहा है, तो कितने टन में ले जाओगे फिर? 150 टन में ले जाएंगे इसको। 150 में लेना पड़ेगा ना, 150 टन की मशीन नहीं है आपके पास, मोल्ड तो चलाना है फिर भी। हाँ तो सर, तो सर चलाना तो फिर भी है, क्या बोल रहे हैं? 5 mm पीछे से कम कर दो सर उसको। किसको कम कर दूं? लेट को पीछे से 5 mm कम कर दो, ज्यादा स्टॉक मारेगा फिर वहां। नहीं तो सर हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा के चल सकता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाना पड़ेगा उसके। सर इंजेक्टर प्लेट में सर हाइड्रोलिक सिलेंडर लग जाते हैं और क्या, मूल नहीं दिखे क्या ऐसे हाइड्रोलिक सिलेंडर वाले? नहीं देखा सर आज तक, हमारे चलते नहीं सर ऐसे आज तक तुमने देखे नहीं है इसलिए बोले हो। नहीं देखे सर आज तक, ठीक है। ये देखो सर वो कोर इजेक्टर बोलते हैं वही ना, कोर इजेक्टर जो रहता है वही रहता है ना, हाइड्रोलिक को ऊपर पिस्टन लगाते हैं, हाइड्रोलिक सिलेंडर चलाना क्या? सर 120 टन की मशीन में कितना आता है इजेक्शन लेंथ? 100 mm इजेक्शन स्ट्रोक। ओके इजेक्शन स्ट्रोक 150 में, आपको 150 टन में ले जाना पड़ेगा इसको। ये पहले पार्टी से आप बात कर लेना जब भी बनाओगे, या आप पास देख लेना ही, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है मोल बना देते हैं नहीं चलता है, बाद में 2 सिलेंडर मंगवा के लाते हैं और लगाते हैं। ये मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है, जिसको मैंने काम करवाया था, मैंने जिसको मैंने ले रखा था कंपनी में, बना के दे दिया, बाद में देखा ये पार्ट नहीं निकल रहा है, हमने बहुत देख लिया क्यों नहीं निकल रहा है, क्या दिक्कत है, तो हमने देखा कि इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन मेरे पास तो था 150 टन के भी मशीन था, तो 150 टन में मैंने सलाह रखा इसको, 120 टन का मशीन था वो, तो उतना रिएक्शन स्ट्रोक नहीं मार रहा था, फिर इसको 150 टन में मार के चलाया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मैं देखो अगर किसी आप किसी से काम करवाते हो ना, तो 150 टन का रेट ज़्यादा होता है घंटे का, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा फिर किसी को, अगर प्रोडक्ट ना तो 150 टन का जो रेट होता है ना वो महंगा होता है, 90 टन का रेट सस्ता आता है, 90 टन मशीन में 150 टन में चलाओगे लॉस किसका होगा, आपका होगा कि उसका होगा? उसका तो प्रॉफिट है आपको, तो भाई मुझे तो पर दिन का इतना 1000 पीस चाहिए, उस 1000 पीस में आप कैसे काम करोगे फिर? नहीं आपको कॉस्टिंग नहीं बैठेगा उसमें, थोड़ा महंगा पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे नहीं, आपकी प्रॉफिट नहीं आएंगे उसमें, तो ये सब चीजें कौन बताएगा आपको फिर? ये सब चीजें आपको कैलकुलेशन लेके करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे ऐसे ऑटोमोबाइल के मोल्ड है जिसमें इजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, लिप्टर लगा रखा है, डबल डबल जॉइंट लिप्टर, कोई आपका इजेक्शन काम नहीं करेगा। 550 टन का मशीन में लगाऊंगा लेकिन चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। मेरे एक स्टूडेंट है पार्ट करके, औरंगाबाद में काम करता है, ठीक है, उसके पास तो भाई 1200 टन का मशीन है, बम्पर बम्पर सब बनाता है, डंगर डंगर बड़े बड़े जो चेयर्स वगैरह होते ना मोल भी बनाते हैं वहाँ पे यूज कर, 530 टन की मशीन उसकी स्टार्टिंग है, बराबर मतलब बड़े बड़े टूल बनाते हैं वो, बहुत बड़ा हो गया, तो वहाँ पे वैसे वैसे मोल बनाते हैं। तो
उस केस में आपको क्या आता है, वहां पे आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाना पड़ता है इंजेक्शन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को समझने में प्रॉब्लम बताओ। सर इसमें एक खाली ये बता दो ना, इसका टोटल इजेक्शन लेंथ कितना है, ये साइड की प्लेट की लेंथ कितनी है? अभी इसमें आपको 150 टन में ले जाना पड़ेगा, 120 टन में नहीं चलेगा। नहीं मैं खाली जस्ट लेंथ पूछ रहा हूँ, उसका लेंथ कितना है? इसकी लेंथ इजेक्शन स्ट्रोक इजेक्शन, हाँ उसके लिए कितना चाहिए एक्चुअल में, मोल्ड को कितना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट किया? यहाँ पे 105 एमएम मैंने बताया ना अभी आपको, 105 एमएम, 45 किसका हो गया, इसकी कितना एमएम है, 25 एमएम, हाँ वो 20 एमएम सही है, कितना हो गया 45 हो गया। अब हर प्लेट में कितना है, 15 एमएम प्लेट है, तो इसको 15 एमएम होगा, ये 15 एमएम होगा, तभी उसके बाद ये 25 मारेगा, 15 30 प्लस 25, अब इसको भी 15 एमएम ये 15 एमएम अंडर जाएगा, कितना हो गया 15 30 प्लस कितना हो गया 25, कितना हो गया 60 और प्लस 45, ओके समझ गया, 45 हो गया, 45 जी प्लस 30 कितना हो गया, हाँ समझ गया सर, 105। ठीक है, अब प्लस ये भी तो इजेक्शन है, ये भी तो है 20 एमएम, हाँ वो भी है 20 एमएम, वो भी तो है, तो कितना हो गया फिर, अब सोचो ना इधर से मैं 30 एमएम प्लस 25 एमएम, ठीक है प्लस ये 30 एमएम, ठीक है प्लस 20 सर, सर एक चीज पूछ लूं मैं, हाँ सर जो पीछे की प्लेट है सर, इसको 20 एमएम काउंट करते हैं तो नहीं चलेगा, तब भी इंजेक्शन नहीं हो पाएगा इसको, पीछे वाली प्लेट को, हाँ इसको, ये भाई हाँ। ये मिनिमम ना 25-26 एमएम रखना है, क्लैंप किस में करोगे, क्लैंप किस में करोगे, अरे बैंड 2 इंच की नहीं, 2 इंच की रखते हैं कम से कम, इसको 2 इंच जी मिनिमम जो है इसको 25 एमएम से कभी मत नीचे मत लेना, 120 हमारे 2 इंच ही लगाते हैं, 1 इंच चाहिए, मेरी बात सुनो एकदम फंडा सिंपल बता दो, ये जो प्लेट होता है ना यहाँ पे 30 एमएम रखा हो, ठीक है स्टैंडर्ड है, हम क्या करते हैं एमएस का आता है या लुक C45 का यूज करते हैं, 30 एमएम का प्लेट मार्केट में मिल जाता है, इधर से 2 एमएम सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करते हैं, इधर से 2 एमएम सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग करते हैं या सेपर करते हो, आगे इक्वल हो गया प्लेट, पॉलिशिंग हो गया, तब भी एमएम का लगा बात करते, समझे 50 एमएम का कोई जरूरत नहीं है, नहीं लेते 50 एमएम को, 50 एमएम का लोगे ना बहुत बड़ा मोल्ड होना चाहिए फिर तो, 30 एमएम काफी है, 30 का स्टैंडर्ड प्लेट मिलता है उसको क्लीन कट कर दो बात खत्म, बिल्कुल वैसे होता है, समझ में आया मेरी बात को, अभी मैं बहुत कुछ चीजें इसमें चेंज करने वाला हूँ, मैं तो अभी बहुत कुछ चीजें चेंज करने वाला हूँ, अभी अभी तो आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, अभी इसको बना के पार्टी को देने वाला हूँ, किसी को कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है बताओ, जो चीजें बता रहा हो ना मिलेंगे ना कोई डिजाइनर बना के समझाएंगे, एक एक चीजें क्योंकि ये मूल जो है ना लगभग में 20-22 जगह दे चुका हूँ बना बना के, सैनिटाइजर की कैप है 20-22 जगह, ये तो कुछ नहीं है, 11 मोल में भी बना के दे रखा हूँ मैं, 11 मोल पूरी कंप्लीट 11 मोल प्लस 2D प्लस 3D पूरा बना के दे रखा हूँ, क्या सही है मेरे पास, फ्लिप टॉप कैप है, फ्लिप लॉक है, सिंगल CTC है, डबल CTC है, क्या मोल चाहिए सब मिल जाएगा मेरे पास, एक फ्लिप लॉक जो फ्लिप लॉक कैप होता है ना 25-25 हज़ार रुपये का एक बेचता हूँ मार्केट में, एक ओनली 3D का, सिंगल CTC मूल चाहिए, डबल CTC मूल चाहिए ना, 50-50 हज़ार रुपये का डिजाइन बनता है, तो समझे, तो वो चीजें होती है, सीखने का ना कोई लिमिट नहीं है, ये सिर्फ जो है आप ना सीख सकते हो ये सिर्फ, ठीक है, और इतना डिटेल में करा रहा हूँ, इतना डिटेल में, सर ये तो पता है सर, कौन जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो तो सर काफी अच्छे हैं, पर ये तो मैंने देखा है सर, हाँ अरे तो वो तो अच्छी बात है, सीजे आप लोग देखे हो, अब एक कहानी बताता हूँ मैं, ठीक है ये सबको सुनना जरूरी है, एक बंदा है, ठीक है एक बंदा है, उस बंदे ने मेरे से क्लास लिया था, उसने सबकी बात है जुलाई की बात है शायद, हाँ जुलाई के, एक सेकंड में देख लेता हूँ, सबको बताना ये बहुत जरूरी जी है। सर
नहीं नहीं वो मई में ज्वाइन किया था, 14 मई को, समझ गया होगा, 14 मई को ज्वाइन किया था। उस बंदे ने मेरे को बोला सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब है, मैं बहुत इंटरेस्ट में लेके आपसे कोर्स करने आया हूँ, मेरे को कस्ते सस्ते में कर दो। तो मैंने उसको बोला कि इतना इतना फीस है सर, मैं 10,000 रुपए दे सकता हूँ, अब समझो बहुत रिक्वेस्ट है मुझे। तो मैंने उसको 10,000 रुपए में करा दिया, बात होगी 10,000 रुपए मैंने उसको करा दिया। उसको मैंने लगभग थोड़ा क्लासेस भेज दिया था उसको 50% के आसपास। उसके बाद लाइव क्लासेस लिए थे, 3-4 लाइव क्लासेस लिए थे मैंने उसको, लाइव क्लासेस वगैरह भी थे उसमें, तो वो भी चलो हो गई। तो बंदा मेरा जो वीडियो है सोशल प्लेटफॉर्म में डाल रहा है वो, और बंदे से वो शेयर कर रहा है, शेयर करने के बाद वो सीधे, आप अगर मेरा कोर्स किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेच रहे हो, मेरा वीडियो में आपको मेरा नाम तो आता ही है, मिलेंगे उसमें, तो बंदा मेरे को कॉन्टेक्ट कर रहा है, कॉपीराइट मेरे को फोन करा है कि सर जो है आपसे मैंने कोर्स करा था तो मेरे को आगे का कोर्स करा दो आपको। मैंने बोले मैंने आपसे तो मेरा कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, आपका नंबर मेरे लिए तो नया है, मैं आपको कैसे कोर्स करा दूँ। तो फिर बोला सर आपका ये है, मैंने आपने पेमेंट करा है मुझे, आप पेमेंट स्लिप दो। तो उसने मेरे को पेमेंट स्लिप दिखाया, चलो मैंने पेमेंट स्लिप उसका देख लिया। बोले कौन किससे आपने खरीदा, उस बंदे का नंबर दो, नाम दो, फोटो दो। तो उसने नाम बंदे का नाम फोटो दिया। अब बाद में जब मेरे को पता लग गया कि ये बंदा मेरा वीडियो शेयर कर रहा है, तो उस बंदे को मैं पहले का वीडियो 2019 का 2020 का मैंने उसको वीडियो भेजा। अब वो बोलने लग गया कि सर आप मुझे पुराना वीडियो दे रहे हो। मैंने उसको क्लास से निकाला भी नहीं अभी तक, मैंने उसको क्लास से निकाला भी नहीं। मैंने उसको ये बोला कि अब जो है ना, पहले उसने मेरे को बोला कि आप सही से नहीं कराओगे मैं आपको थाने में केस कर दूंगा, आपसे मैं कोर्ट में ले आऊंगा। फिर उसने मेरे अपना भाई का एक, उसका भाई दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, तो उसने मेरे को फोटो दे दिया, देखो मेरा भाई जो है दिल्ली हाईकोर्ट में काम करता है, आपको मैं कोर्ट में ले आऊंगा। मैंने बोला अभी तो आप मुझे बोल रहे थे आप कोई नहीं है घर पे, पेरेंट्स की पैसे की प्रॉब्लम है, ये है वो है, अब अभी कोर्ट की बात कर रहे हो, अगर आपको वैसे जाना है तो ठीक है वैसे चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जब रिग्रेट हो कि आप जो है ऐसे बात नहीं करना चाहिए, सर से अच्छे से बात करना चाहिए, तब मेरे से आप बात कर लेना। तो मतलब कोई बात, कोई रिग्रेट की बात ही नहीं है, सबकी अपने अपने ईगो है। बोला ठीक है जब आपको रिग्रेट हो तब मेरे से बात करना, मैं आपको कंटिन्यू करवा दूंगा। मैंने उसको क्लास से निकाल भी नहीं दिया। चलो वो बंदा जाके मेरे बारे में इधर बात करता है उधर बात करता है, ये है मैंने फ्रॉड किया है उसके साथ। भाई फ्रॉड तो कुछ नहीं है, मैं आपको कंपनी लेवल में सिखा रहा हूँ, मैं आपको हर एक, मैं देखो मैं जो चीज़ करा रहा हूँ, मैं इसमें नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो जो कंपनी में मैंने काम करा हो उस कंपनी में करा रहा हूँ, वो भी एक रेपुटेड MNC कंपनी का, मैं आपको फाइल में करा रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे बम्पर, एक बम्पर बनाता हूँ ना रात भर, मेरे को 1 महीना लग जाता है एक बम्पर मोल्ड जो कंप्लीट करने में, वो भी हम 2-3 लोग मिलके बनाते हैं। और एक बम्पर का प्राइस का कॉस्टिंग लेता हूँ मैं 2 लाख, मिनिमम 2 लाख रहता हूँ एक पूरे बम्पर डिजाइन बनाने में, बम्पर कंसोल हो गए, डैशबोर्ड हो गई, ये मोल्ड बनाने में, ठीक है। ट्रेनिंग जो है मैं आप लोग के लिए 1 घंटे रात को 2 घंटे लेता हूँ क्लास, ठीक है। ये तो मेरा तो थोड़ा सा ठीक है, मेरे को सिखाने में अच्छा है, पहले मैं सिखाता था अभी दिल्ली में उत्तम नगर में, मैं जाके सिखाता भी था, तो वो मेरे को अच्छा लगता था, मैं सिखाता था, ठीक है। अब मेरे को ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत सारे कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो ना मुझे कोई, अभी भी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आ गया, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मेरा भी गलती होता है, बड़ा बड़ा मोल बनाता हूँ, एक एक मोल आपकी 50-60 लाख का बनता है बम्पर का, ये पता ही तो है, उसमें भी कुछ कुछ चीज़ें गलती होते हैं और हम इम्प्रूव करते हैं। और मेरा तो मैक्सिमम क्लाइंट बाहर का है, आउट ऑफ इंडिया का ही है ना, जो भी हम काम करते हैं। तो उस बंदे ने जो चीज़ें करा उस चीज़ों को मैंने उसको दिखाया, उसको कराया, वो चीज़ें कुछ देख के ज्वाइन किया, हर चीज़ें मैं यूट्यूब में डाल भी नहीं सकता हूँ, कुछ चीज़ें आप क्लास ज्वाइन करते हो तो मैं उससे पर्सनली दिखा सकते हैं या मैं समझा सकता हूँ, जो भी उसने करा उसने बाद उसने मेरा जो है इधर बुराई करने लग गया उधर बुराई करने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं उसे बताया मैं क्या सिखा रहा हूँ। तो मुझे कभी बुरा लगता है कभी, सर देखो सर आपका बारे में ऐसे ऐसे मेरे को सुनने में आ रहा है, मैं बोलता भाई ये देखो ये मेरा, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ इवन कि ये स्क्रीनशॉट है, अगर ये दिखना होगा मैं दिखा दूंगा उसे, गलत जो उसने सर आप गलत गलत है। आप जो कर रहे हो भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक चीज है सर, ज्ञान जो है ना, ज्ञान वो ऐसे चुराया नहीं जा सकता किसी का भी। जो एकलव्य उसका अंगूठा ऐसे ही नहीं काटा था गुरु द्रोण ने, बराबर। तो आप डीमोटिवेट मत होना, वो होते हैं कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो मैं YouTube के ऊपर कुछ लोग होते हैं, मैं देखो मैं अपना एक अलग सा है ना, एक मैं मैसेज YouTube में अलग से वीडियो डाल सकता हूँ कि ऐसे ऐसे चीजें हो रही है मेरा बारे में, वीडियो जो है कोई दूसरा बेच रहा है। अभी एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट आपका दिल्ली में है, कॉर्नर प्लेस में उसके इंस्टीट्यूट है, वो मेरे से वीडियो लिया है, वो मेरे से परमिशन लेके वीडियो जो है वो सेल कर रहा है, मैं उसके लिए कोई मेरे पास कोई कॉपीराइट नहीं है, मैं उसको बोल रहा आपको यूज करना है आप यूज करो, एंजोस करके कंपनी का नाम है, मैं नाम भी ले रहा हूँ, वो मेरे से ऑथोराइज करके यूज कर रहा है वो,
मोल्ड डिजाइनिंग, डिवाइस इंजीनियरिंग, डाई डिजाइनिंग मेरे से पूछ के यूज कर रहे हैं वो, ठीक है, वो मैं हेल्प भी करता हूँ, उसमें मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन जो अनऑथराइज यूज कर रहे हैं वो चीजें सही नहीं है, और आपको मैं कंपनी लेवल का सिखा रहा हूँ यार, और आपको मैं आगे आपको पता लग जाएगा जो मोल करा रहा हूँ उसकी आप फोटो भी देख रहे हो बनने के बाद, ये टूल है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये T0 शॉर्ट है, इतना लेवल में करने के बाद अगर आप चीजें शेयर करते हो वो चीजें कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर भी मैंने उसको नहीं निकाला, ये मैंने बोला जब आपको रिग्रेट हो जाए आप अपोलॉजी कर लेना, मैं आपको कंटिन्यू करा दूँ। अब लास्ट टाइम मेरे बात हुई थी उससे एक महीने पहले की बात है, तो बोल रहा है कि आप मुझे पैसे दे दो, आपके बारे में मैं बुराई नहीं करूंगा, आपके बारे में फील नहीं करूंगा, क्या भरोसा सर, जैसे कि अभी मैं उनको जो करना है करने दो। मैंने देखा है सर, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, और बाकी सर ऐसे लोग हैं समाज में जो हम सोचते हैं किसी के साथ भलाई कर दें मगर वो साहब वो फिर कर जाते हैं लोग ऐसा, पर हम नहीं देख सकते ना कि कोई क्या कर सकता है। बिल्कुल, अरे मुझे देखो, मैं यूट्यूब में वीडियो डाल दूं कि ऐसे ऐसे लोग है वो करो ना करो, मुझे देखो ये होता कैसे बताए, जो मैंने एक डायलॉग दिया था कुछ दिन पहले का, एक बास और जो कौवा का वाला बात दिया था ना सर, वही बात है सर, सिंपल है सर, नाम भी तो उसी का होगा, जो जिसका नाम है वही तो बदनाम होगा सर। अब आप कर रहे हो सर काम ऐसा कर रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो तो आप आइए, कभी ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग कभी ये सक्सेस नहीं हो सकते। चलो ठीक है, वैसे मैं तो बहुत मतलब पॉजिटिवली सोच लेता हूँ, कोई ऐसे कुछ बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। और उस टाइम उसके पास थोड़ा सा क्लास वास भेजने में उसको डिले भी हुआ था, ये मानता हूँ मैं, लेकिन उस टाइम जब था तो मेरे को उस मेडिकल इशू हो गया था, तो मैंने जब उससे बात किया था तो मैंने उसको फोटो भी शेयर किया था, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, ये मेरा हॉस्पिटल की फोटो भी भेजा था मैंने उसको, उसको कुछ जल्दी था, बाद में मेरे को पता लगा कि उसकी खुद की इंस्टीट्यूट है, तो इसीलिए वो वीडियो वगैरह जल्दी मांग रहा था मेरे से, ये दो ये चीजें मुझे ऐसे ऐसे है, तो फिर मैंने बोला भाई मेरे को बाद में पता लग गया ये वीडियो बंदा शेयर कर रहा है, अब कोई देखेगा सेम डिजाइन करेगा गूगल में सर्च करेगा उसको तो पता लगेगा ही है ना कौन है कैसा नहीं है, है ना, हर जगह में हूँ मैं, तो इतना बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो फिर उसको मेरे को पता लगने के बाद मैंने भी चलो ठीक है इसको मैं थोड़ा नया वीडियो तो नहीं दे सकता यार, पुराना वीडियो देने, तो फिर उसको जो लग गया कि हाँ ये मेरे को सही से नहीं करवा रहे कुछ प्रॉब्लम है। अब चीजें लो, मैं तो ऐसे भी करता हूँ, कुछ खत्म होने के बाद ना बंदे कोई मांगता है सर मेरे को प्रैक्टिस के लिए कुछ फाइल दो, मैं भाई दे देता हूँ, आज मेरे पास अब नाम ले सकता हूँ कंपनी का, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनी है ना जिसमें मान लो 1,00,000 वर्कर है, ऐसे ऐसे पूरी असेंबली पूरी फाइल पड़ा हुआ है, पूरी असेंबली के फाइल, कभी कभी मान लो सर मैं उसके फाइल दे दो, एक दो फाइल दे भी देता हूँ, नया फाइल नहीं दे सकता एकदम ब्रांड न्यू जो काम हो रहा है अभी, सात साल पुराना फाइल में दे देता हूँ, लो काम करो आप, क्योंकि क्या होता है 6-7 साल पुराना या 2-3 साल पुराना जो फाइल होता है उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग वाला काम होता है, अपना कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उसकी डुप्लीकेट पार्ट निकाल देते हैं मार्केट में। आज अगर मारुति सुजुकी का नाम देखोगे ना, अभी मैंने नया एक कंपनी का काम लिया हूँ होंडा साइन का, नाम भी ले लिया चलो, उसकी पूरी नया नया असेंबली बना रहा हूँ, 3 मोल्ड है उसकी पूरा, मतलब एक बैक कवर की असेंबली का, मार्केट में लोकल मार्केट में बेच रहा हूँ, इसके लिए बना रहा हूँ पार्टी का पूरा बना के वो बेच रहा है, अब मार्केट में अगर वो 230 रुपये का आ रहा है ना, वो बंदा बेच रहा है 200 रुपये में, तो 30 रुपये डायरेक्टली प्रॉफिट है उसकी, उससे भी कम में मिल रहा है, तो सोचो ना, तो ऐसे चीजें होती है, तो पुराना फाइल देने में दिक्कत नहीं लेकिन नया फाइल देने में दिक्कत है। तो कोई बंदा हर बंदा आते हैं मेरे से सीखने के लिए कि हाँ मैं कुछ नया सीखूँ कुछ चीजें और अच्छा सीखूँ, लेकिन आप उस चीज का गलत इस्तेमाल करते हो तो फिर वो चीजें मुझे भी सही नहीं लगता है। अब पता है एक चीज में एकदम मतलब खराब लगा मुझे एक चीज, मैं पहले जिस कंपनी में था उस कंपनी की एकदम रात के टाइम में मैं सिस्टम में बैठा हूँ, एक मैसेज आया ग्रुप में, मैं ग्रुप में क्योंकि मैंने कंपनी लेव कर दिया था पुराना वाला, तो ग्रुप में मैसेज आया कि ये बंदा पकड़ा गया डुप्लीकेट चीजें बनाते हुए, तो एक जो मैनेजर था टूल रूम का उस बंदे ने डाला अभिजीत पकड़ा गया क्या, और वो स्क्रीनशॉट जो मेरा बंदा था जो मेरे साथ काम करते थे उसने मेरे को भेज दिया कि देखो भाई मुझे क्या है, मेरा अपना नाम खराब करना है क्या, नहीं करना है ना, मैं तो आप लोग को सिखा ही रहा हूँ, सिखाने के लिए अगर मुझे ये सब चीजें मिल रहा है तो वो चीजें कहीं से यार, कुछ भी हो अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना उसको नहीं दबाना चाहिए यार, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बुरा लगा ना मुझे भी चीजें, उसने मेरे को इसलिए दिखाया देख वो बंदा तेरे लिए क्या सोचता है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना तो मेरे साथ जो बंदे रहते हैं वो जलते हैं, क्यों, क्योंकि भाई मेरा इसको अच्छा आता है इसलिए आपको, तो वो चीज आज देखो आज आप लोग को जो चीजें करा रहा हूँ ना मैं, ये जो डबल इजेक्शन मेथड है, एक मोल का कितने रुपए मिलती है आप बनाने के लिए,
आप तो फ्री में सीख रहे हो, तो आप सोचो ना आपके लिए जो मैं फीस ले रहा हूँ वो जस्टिफाइड है? आप तो अगर इतना फीस मिल ले रहा हूँ ना, उससे आपको मैं 10 गुना ज्यादा सिखा रहा हूँ यार। मोल प्रैक्टिकल मोल कराता हूँ यार मैं, यार थ्योरी कैलकुलेशन सब चीजें कराता हूँ मैं, ऑटोमोबाइल मोल करवाता हूँ। मैंने आपको यूट्यूब में एक डेमो भी दिया है ऑटोमोबाइल मोल की, किसका सही है, डैशबोर्ड सही है, पूरा डैशबोर्ड की मोल कराओ है मेरे पास, वो भी कोर्स कराता हूँ। हाँ सर वो देखा मैंने, वो भी कोर्स कराता हूँ, डैशबोर्ड का मोल कराता हूँ, बम्पर की पूरी मोल पड़ा हुआ है मेरे पास, बम्पर का देख रहा हूँ, पूरी मोल पड़ा हुआ है, पूरी मोल अब क्या सब बना रखा हूँ मैं, काम कर रखा हूँ, ये ऐसा नहीं है। आज मेरे अंदर में फ्रीलैंसिंग टीम जो है ना 25 से 30 लोग है जो रेगुलर मेरे से मैं काम करवाता हूँ उनसे, और मैं इनको ऐसे फ्री में काम नहीं करवाता, उस समय पैसे भी देता हूँ, ठीक है। और ये जो चीजें मैं बनाता हूँ, मैं बहुत लोगों से ना डिजाइन परचेस करा हूँ, आज आप मान के चलोगे आज के टाइम में ना, आज के टाइम में 6 से 7 लाख रुपए का डिजाइन खरीदा हूँ मैं, ऐसे नहीं मिलते नहीं। और ये पैसा कहाँ से आता है, खरीदा हूँ ना मैं, ये जो 50,000 वाला डिजाइन जो आपको बोल रहा हूँ मैं, 50,000 का डिजाइन वो कहाँ, उसमें मैंने खरीदा है, उसमें काम करा है, उसमें समझाया कॉन्सेप्ट, इसको बनाया है मैंने प्रैक्टिकली, तो इसमें तो मिला है, ऐसे तो मैं सिखाऊँ, 6-7 लाख रुपये है वो क्या है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट था आज जो मेरे को काम दे रहा है, वो ऐसा चीज होता है चीजें में, कम उम्र में ज्यादा चीज मैंने कर लिया, ऐसे ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ऐसे मैंने करा है। आप लोग को भी लाइफ में ना डायरेक्शन होना चाहिए कि ऐसे करूंगा मैं, ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, आज पैसी होना, पैशन के लिए है ना सर, पैसी होना चाहिए, बिल्कुल 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 ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ, ठीक है। आज मेरे से बहुत उम्र वाले भी लोग है, 50-60 वाले भी है, 40 वाले भी है, ठीक है। आज गर्व कोई गर्व नहीं है, आज मेरे पास गाड़ी भी है, खुद का मकान भी है, खुद मेरी जमीन भी लिया हो, ये मेरे कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ये आप भी कर सकते हो, सबका लाइफ में ना आपको डायरेक्शन होना चाहिए। आज जो मेरे से स्टूडेंट करा है ना, आज ऐसे स्टूडेंट ने 3 साल में ना 45,000 रुपये सैलरी ले रहा है, नहीं ले पाएंगे 3 साल में 45,000 रुपये सैलरी डिजाइन में ले रहा है, क्यों, उसको डायरेक्शन पता है, उसको मैंने डायरेक्शन दिया है, उसको मैंने कंपनी के हिसाब से तैयार करा है, उसने मेरे को 30,000 रुपये दिया है, 50,000 रुपये दिया है, लेकिन आज बंदा 45,000 रुपये महीने का ले रहा है, ये मेरे खुद का ना, ये पता है, ये सब चीजें जो होता है ना मुझे काम करने के लिए और वो करता है, मार्केट में और अच्छा काम करो, ये सब चीजें मेरे को और मोटिवेट करता है, पता है मुझे कौन आता है सर मेरे को, आज देखो आज मैंने ग्रुप में वैकेंसी चला ना कि पैनासोनिक में वैकेंसी चल रहा है, मेरा स्टूडेंट है पैनासोनिक में इंटरव्यू ले रहा है, LG में वैकेंसी मैंने ग्रुप में डाला, ये मैं क्या डुप्लीकेट डाला हूँ क्या, ये मेरा स्टूडेंट है जो पैनासोनिक मारुति टाटा हीरो में काम कर रहा है यार, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं भी क्रैक कर सकता हूँ ऐसे ऐसे कंपनी में क्या भी हूँ, लेकिन मेरे को नहीं करना है, मैं अपने आप काम करता हूँ। आज मेरे पास एक भी स्टूडेंट ना होना मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा इतना मतलब चीजें कर लिया है कि महीने महीने का मेरे को जितना सही है उससे मुझे ज्यादा मिल जाएगा, मैं काम ये सब चीजें कर रहा हूँ ना मैं, ये अपने क्या मुझे अंदर की वो सुकून मिलता है, अच्छा फील होता है, इसलिए कर रहा हूँ मैं, और कुछ वो नहीं है, उसको चीजें बुरा लग जाता है, एकदम बुरा लग जाता है, कुछ चीजें से डालते हैं कुछ डालते हैं, होता है यार मेरे पास काम, पता है आज बारिश मेरे को परसों फोन किया था है ना सर, क्या स्टूडेंट नहीं है तो क्लास नहीं लोगे क्या, मुझे एकदम बुरा लग गया, पता है मैंने उसको बोला कि ऐसे मत बोला करो मेरे, बारिश बोला था कि नहीं, ठीक है, फिर बाद में बोला कि नहीं सर मेरा बोलने का तोन वो नहीं था, अलग था, मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, ठीक है, मैं भी रात रात 3-3 बजे तक जाता हूँ, सुबह 8 बजे उठता हूँ, उठ के मेरा अपना भी काम होता है, ठीक है, जो भी मेरा बाहर का दुनिया बाकी का काम होता है वो भी देखना होता है दिन में, फिर मैं रात में आके 6-7 बजे से आप लोग के लिए जो भी चीज़ें होता है शेड्यूल होता है उसके लिए मैं तैयारी करता हूँ, चीज़ें बनाने लग जाता हूँ, यूट्यूब में भी वीडियो डालना होता है, अब मेरा खुद के मकान भी बना रहा हूँ उसमें भी मेरे को टाइम देना पड़ता है, तो बहुत कुछ चीज़ें मेरा दिन में होता है, उस शेड्यूल के बीच में मैं कैसे कैसे मैं निकालता हूँ, अब देखो वो सब चीज़ें जब एक साथ चलता है ना बहुत चीज़ें डिफिकल्टी आती है, बहुत चीज़ें होती है कि नहीं, वर्कर से जब सर जब वर्कर से जब ओनर बनते हैं ना तो हेडेक बढ़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने अंदर बंदा नहीं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ अपने अंदर बंदे, अब मैं ही सब कुछ चीज़ें अभी मुझे देखना पड़ता है 2-3 लोग ही, ठीक है, तो मैं अपने अंदर और ले सकता हूँ बंदे, नहीं ले सकता ले सकता हूँ, लेकिन क्या चीज़ें है ना कुछ कुछ चीज़ें मेरे को खुद करने में अच्छा लगता है, अब मैं किसी को पावर दे दूंगा ना उस चीज का, आज मैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट अपना ही बिजनेस कम होगा ना सर। आज मैं हर एक बंदे से खुद बात करता हूँ, कल अगर मैं एक टेलीफोन रख दिया तो आपको बात करने में मजा नहीं आएगा, जो मेरे से बात करने में आपको मजा आता है,
अगर मैं पेमेंट रिसीव करने के लिए किसी एक बंदे को रख दूं ना, तो कल आपसे बात करेगा पेमेंट देना है तो दो, नहीं तो फड़फड़ में जाओ। मैं नहीं चाहता कोई बंदा ऐसे बात करे आपसे। बहुत कुछ चीजें है, बहुत कुछ चीजें है जो आगे पता लगेगा आपको, पर ऐसा नहीं है। आप अभी तक तो है ना 8,500-9,000 स्टूडेंट मेरे से सीख चुका है, और उसमें से भी लोग 500-600 लोग जो है कंपनी में काम कर रहा है। तो 500-600 लोग जो है कंपनी में मेरे पास, मेरा चला दी मशीन, चला दी तो पैसे पैसे। चलो ठीक है यार, थोड़ा ज्यादा बात कर लिया ना, ताकि समझ में आ गया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, नहीं सर, कोई नहीं। बाकी एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा उसकी, ठीक है? कितना वो है, कितना टन में कितना कितना साइज का आता है, कितना स्ट्रोक होता है, रिजेक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए, सारा चीज मैं दे दूंगा उसमें जाके एक बार मुझे। जी सर, ठीक है, बनाना है तो मैं पार्ट दे दूंगा, बना के एक बार दिखाना है तो बता देना। ठीक है सर, पार्ट दे देना, ठीक है, बनाना है। ठीक है, किसी को पूछना है बताओ? नहीं सर। सर मैं सर मोल्ड भेजा सर, एक बार देखना सर, बनाए ना वो, एक बार देखना जरा उसको। हाँ देखूंगा, किसी किसी होमवर्क है तो भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। सर मैं भेज, ये वाला मोल्ड शेयर कर सकते हो? ये वाला मोल्ड कर दूंगा शेयर। हाँ सर, मैं व्हाट्सएप पे आपको कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, आप शेयर कर देना। किसी को पूछना है कुछ सर, जिसका इसका होमवर्क शेयर नहीं सर, एक बार मुझे भेज दो जरूर। सर मेरा होमवर्क देखो सर, मैं भेजूंगा। एक दो का, दो नहीं तीन का आ गया मेरे पास, एक उसका आ गया होमवर्क सर, होमवर्क मैंने भी भेजा होगा, मैंने भी भेजा है सर। हाँ हाँ हाँ, एक बार मुझे वो भेज दो, मैं अभी चेक करूंगा। ठीक है फिर तो, हाँ होमवर्क में मिल रहा हूँ फिर, किसी को पूछना है तो बताओ, अभी भी टाइम है, अगर समराइज करना है तो हेलो पहले तो 20 से ऊपर थे, अभी 16 लोग हो गए, ठीक है, कौन कौन पता नहीं, कुछ काम कंपनी में है, कोई कोई लोग दिखने में भी दिक्कत आ रही है। हाँ बताओ, चलो होमवर्क भेज लो सब लोग, अपना अपना चेक करूंगा मैं, जितने लोग ने करा है। एक फाइल बना लो अपना नाम का, है ना, दो तीन ने दे रखा है, एक फाइल बना लो अपना नाम का, उसके अंदर जो है सारा चीज दे के मुझे दे दो। कंपनी में हो क्या सर? मैं नहीं, मैं वर्क पे हूँ, नहीं बहुत लोग कंपनी में है ना, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से रूम का। ठीक है अब लोग दो, मैं अभी होमवर्क चेक करूंगा सब लोग, जल्दी जल्दी करो, एक अपना व्हाट्सएप कर दो, एक एक फोल्डर बना दो अपना नाम का, जल्दी जल्दी करो। मैंने व्हाट्सएप कर दिया। हाँ चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड नाइट।